हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय सी एल सी। तो आज हम डीसीएम पेपर 31 सोल्व करने जा रहे हैं और जिसमें अपने टॉपिक हैं करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटेंस। दोनों टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक हैं, नीट का स्कोरिंग टॉपिक हैं। अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, अक्सर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको आपको करना ही होता है, छोड़ना भी नहीं होता है, सही भी करना होता है और इतना आसान होता है कि आराम से हर बच्चा इसको सॉल्व करके आराम से अपने स्कोर को अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हमारा है द कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर गिवन द सेम चार्ज ऑफ 10 नैनोकूलम इफ टू स्फीयर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड देन द पोटेंशियल ऑफ द लार्जर स्फीयर विल बी। आपसे बोला है कि अगर इन दोनों को अपन कॉन्टैक्ट में लेके आए और फिर इनको करें सेपरेट, तो फिर जो लार्जर स्फीयर है उसका पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ तो सिंपल सी बात ये कि यहाँ तो आप जब भी दो किसी स्फीयर्स को, दो कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो फाइनली क्या होता है, दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। इसका मतलब जो छोटे का पूछे जो बड़े का पूछे, पोटेंशियल दोनों का सेम होना है। अब पोटेंशियल सेम होना है तो आप उसका जो वी सी एम पढ़ते हो ना, कॉमन पोटेंशियल, तो वहाँ हम लोग लिखते हैं C1V1 + C2V2 / C1 + C2। कोई बात नहीं। अब इसी को वैसे ये क्या चार्ज है, ये Q1 + Q2 इनिशियल चार्ज है भी, इसको अपन ऐसे ही कर सकते हैं ना। ये हमारे पास है क्या, Q1 + Q2 अपॉन ये C1, यानी इसको मैं कर दूं 4 πε0 × R1 + R2। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब एक्चुअली जैसे ये जो 4 πε0 है उसको मैं कर दूं यहाँ पे K, तो एक बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके पास आ सकता है। K और ये टोटल चार्ज इनिशियल, K समेशन Q अपॉन समेशन ऑफ रेडियस। तो इससे बहुत आसानी से आप ना कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हो। अब चूंकि जो कॉमन पोटेंशियल है वही किसका है, स्मॉलर का, वही कैसा लार्जर का है, तो इसमें बहुत आसान है। तो हम इसको लिखे 9 × 10⁻⁹ × समेशन Q। आप जोड़ दीजिएगा दोनों पे चार्ज कितना, 10 और 10 है, तो इसका मतलब हो गया 20। तो 20 × nC होने पे माइनस का 9 अपॉन सम ऑफ रेडियाई जो हमारे पास है 8 और 4, इनका सम कितना हो गया 12। तो 12 × 10⁻², क्योंकि सेंटीमीटर में था ना, इस चीज़ को अपन कन्वर्ट कर लेंगे। अब केवल हमें इसको सॉल्व करना है, तो देखिएगा ये 10⁻⁹ से 9 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास है 9 × 20, तो 980। या इसको अगर मैं यहाँ ये 10⁻²² जो है इसको यहाँ से ऊपर ले आता हूँ और इसको ऐड कर दूँ तो ये हो गया 10³। अब हमारे पास है 9 × 2 / 12। अगर इस 2 से इसको उड़ाऊँ तो गया 6, इसको ऊपर उड़ाएँ 3 से, तो 3 से आपका हो गया ये आपका 3, ये हो गया 2, 3/2 यानी 1.5। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1.5 × 10³ V। तो इसका सही आपका आंसर जाएगा सेकंड। ठीक है, बढ़े आगे, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, तो टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 and 8 μF आर चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 6 V। दो कैपेसिटर हैं, दोनों को हमने 6 V से चार्ज कर रखा है। ठीक है, अब कह रहा है इफ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन जॉइंट टू नेगेटिव प्लेट ऑफ द अदर। एक की प्लस प्लेट को दूसरे के माइनस से जोड़ा गया है, यानी मान लो ये पहला कैपेसिटर है, एक ये दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास, इसकी ये प्लस प्लेट है, ये माइनस है, ये माइनस और ये प्लस है। इन दोनों को अपन ने अब मान लीजिएगा पहले इस कंडीशन में और जोड़ दिया, जोड़ने पे अब इसमें हीट लॉस होने वाला है। अब हीट लॉस कितना होगा उसको अपन देखें, तो देखो ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज लॉस ऑफ एनर्जी अपन ज्ञात करते हैं, वो होता है 1/2 C1 × C2 / C1 + C2 होता है ना। चलो लिख देता हूँ मैं एक बार, C1 × C2 / C1 + C2 × V1 - V2² ये डिफरेंस का स्क्वायर है, अंतर का वर्ग होता है। अब इसमें ध्यान रखना होता है कि ये माइनस कब आएगा और प्लस कब आएगा,
तो जब हम प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से कनेक्ट करते हैं या लाइक प्लेट को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से अपन कनेक्ट करते हैं तो यानी इस कंडीशन में प्लस आपका माइनस आता है और इसमें आता है प्लस। ओके, अब केवल आपको वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। तो देखो 1/2 इंटू सी वन इंटू सी टू, तो 4 इंटू 8 माइक्रो इंटू माइक्रो है तो इसको अपन लिख दें 10 की पावर माइनस का 12 अपॉन सी वन प्लस सी टू, ऐड कर दीजिएगा तो 4 प्लस 8 कितना हो गया आपका 12, तो इसको अपन लिखें 12 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, ठीक है, इंटू वी वन प्लस वी टू हो जाएगा, या तो वी वन है माइनस इंटू माइनस का 6 लिखोगे, या फिर आपने मैंने बोला आपको अभी कि दोनों में अगर प्लस को माइनस से अपन कनेक्ट करते हैं तो आप वी वन प्लस वी टू कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 6 यानी हो गया 12, उसका स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 यहाँ पे कर दो। ओके, अब देखो इसमें 12 से ही कैंसिल हो गया, 2 से इसको अपन यहाँ उड़ा देते हैं, चलो अब हमारे पास जो वैल्यू है इसको उड़ाऊँ यहाँ से, तो ये हो गया आपका 10 की पावर माइनस का 6, क्लियर। 12 को अपन गुणा करेंगे किससे, ये 8 इंटू 2 हो गया 16, तो 12 इंटू 16 है वो आता है 192 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, 192 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो अगर मैं इसमें से 10 की पावर माइनस 3 को यहाँ कर दूँ ऐड, तो 0.192 इंटू हो गया आपका 10 की पावर माइनस का 3, तो आप ये कह सकते हो ना कि 0.192 मिली जूल, तो इससे हमारा आंसर जो है वो सेकंड है वो इसका आंसर सेकंड नहीं आपका हो जाएगा फोर्थ, 0.192 मिली जूल, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, बढ़ते आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एयर कैपेसिटर इज चार्ज टू बाई ए बैटरी, ये हमारे पास कोई पीपीसी है जिसको अपन बैटरी से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि आफ्टर डिसकनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डबल्ड, ये कह रहा है जिस बैटरी से इसको अपन ने चार्ज किया था उसको हटाने के बाद हम प्लेटों के बीच का जो सेपरेशन है उसको डबल कर रहे हैं। यानी पहली बात तो ये है कि इसमें फर्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है कि बैटरी जो है बेटे, बैटरी उसको आपने चार्जिंग के बाद कर लिया है रिमूव, तो बैटरी के रिमूव होने के बाद जो पोटेंशियल है वो तो आपका वेरी करेगा, ये तो आप वेरी करेंगे अब, परंतु जो चार्ज क्यू जो होगा वो हो जाएगा कांस्टेंट, चार्ज क्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपने डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो ये सब करने के बाद डिस्टेंस जो डी है वो हो गया आपका 2D, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछा है कि ये तो हो गया यूजिंग एन इंसुलेटिंग हैंडल, ठीक है, यानी चार्ज यहाँ पे और किस तरह से आपका लॉस नहीं होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विल बी, तो इस कंडीशन में जो प्लेट्स है उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, तो इसको अपन मोस्टली पढ़ते हैं कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे चार्ज कॉन्स्टेंट है, तो जो क्वान्टिटी कॉन्स्टेंट है वो सबसे पहले यहाँ पे आने वाली है, तो इसको हम चार्ज के रूप में कन्वर्ट करें। तो आपको मालूम है कि जो हमारे पास कैपेसिटर होता है, मान लो उसकी एक प्लेट प्लस की है, एक आपकी माइनस की प्लेट है, और यहाँ चार्ज मान लो कितना प्लस का क्यू है, ये माइनस का क्यू है, इसका प्लेट एरिया कितना ए है, तो ऐसी सूरत में जो इसकी मूर्त बनती है वो क्या बनती है, बनती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इसके प्लेटों के बीच के सेपरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप क्या बोलते हैं इसमें कि अगर डीडीएस को अपन ने डबल करा तो उससे इसकी सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वही बना रहेगा, इसका मतलब नो चेंज, कॉन्स्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ढंग से ट्रीट करेंगे। भी बढ़े अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए अगला क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन दे आर चार्ज्ड बाय ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, येलो साहब, और दोनों को हमने जोड़ रखा है पैरेलल में किसी बैटरी से, येलो, और दोनों कैपेसिटेंस कितने की, ये भी आपका 4 माइक्रोफेरेड का है, ये भी आपका 4 माइक्रोफेरेड का है, और दोनों जुड़े हैं कैसे, पैरेलल, और उनको 100 वोल्ट की बैटरी से अपन चार्ज कर रहे हैं, 100 वोल्ट की बैटरी से आपने चार्ज कर दिया,
ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है इफ स्पेस बिटवीन बोथ द कैपेसिटर्स फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कॉन्स्टेंट k इक्वल टू 4 द टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स विल बी, यदि हम इसमें दोनों जो आपके कैपेसिटर हैं उनके बीच का जो पोर्शन है कंप्लीटली इनको अपन यहाँ से फिल कर दें और दोनों में k हमने भरा कितना 4, यहाँ भी k भरा बेटा जी हमने 4, तो ऐसी स्थिति में अब इस सिस्टम में टोटल जो स्टोर्ड एनर्जी है पोटेंशियल वो कितनी है वो आपको बतानी है, बता दें। तो स्टोर्ड एनर्जी का तो कोई इश्यू सिंपल है ही नहीं भाई, हाफ सी वी स्क्वायर इसका है, हाफ सी वी स्क्वायर इसका है, बट इसमें मीडियम भी आपने भर रखा है तो और भी इससे चार्ज इसके पास जाएगा और एनर्जी इसमें स्टोर होगी। टोटल जो एनर्जी इसमें बात करेंगे तो यू टोटल जो है वो है इसकी एनर्जी प्लस इस, दोनों सेम ही है इसलिए कह दो 2 इंटू एनर्जी ऑफ 1 और 1 कितनी हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, सी भी कैसा विद मीडियम है तो कर दो उसको के सी इंटू वी स्क्वायर की डायरेक्ट कॉन्स्टेंट जो आपने भरा है। ओके तो यहां से 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, चलो वैल्यू पुट कर दें बार 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू के हमारे पास है 4, सी हमारे पास देखिएगा 4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6 माइक्रो में है और वोल्टेज हमने दे रखा है बेटा 100, तो ये होगा 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर हम कर देते हैं 4, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं शॉल, 2 से 2 हो गया छमा छम 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 होगा देखो। अब उसके बाद हमारे पास है 16 और 16 का तो लिखा जुका सिर्फ यही है देखो और कहीं है नहीं 16, तो और देखो यहाँ पे माइनस का 6 है, माइनस का ए प्लस का 4 है, ये आपका रिमेनिंग रहेगा माइनस का 2 और माइनस 2 रहेगा ये 16, तो देखिएगा 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 और इसलिए पॉइंट को अपन यहाँ शिफ्ट कर दें तो 0.16 जूल इज अ टोटल पोटेंशियल स्टोर्ड एनर्जी इन दिस सिस्टम एंड द राइट आंसर इज फर्स्ट, ठीक है। बड़े आगे देखो अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं जिनमें प्रत्येक की कैपेसिटेंस कितनी सी है, हमारे पास 3 कैपेसिटर है और ईच है उसकी कैपेसिटेंस आपको दे रखा है सी और फिर कह रखा है कि हमने इसमें के के और 2K ऐसे हमने मीडियम है वो इंसर्ट कर दें पूरी तरह से भर दिए गए। अब आपसे पूछा कि एक्स और वाई जो है, ये पॉइंट आपका एक्स है ये वाई पॉइंट है, इनके बीच की जो टोटल कैपेसिटेंस है, टोटल कैपेसिटेंस कितनी 4C है मीडियम को भरने के बाद, तो टोटल इसका एक्स वाई के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको दे रखा 4C, तो पूछा है कि के क्या है, ये जो के भर रखा है ये कौन सी खुदा है, इस खुदा का वैल्यू आपको बताना है, तो करें चेक। आओ ये दोनों किस ऑर्डर में बेटे सीरीज में है, तो यहां एक तो बात ध्यान रखना कि जैसे अपन करते हैं केपीसी LRT एक होता है XUT2, ये पूरी ट्रिक है कि अपने पूरे फिजिक्स में जो भी आपके कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज है पैरेलल है सब के सब इसमें आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो यहां है क्या देखो, केपीसी कपिल, कपिल करोड़पति, लालू राबड़ी का पति और ये तेजस्वी, जानते हो ना कपिल करोड़पति, आज तो पता नहीं वो जो बहुत पुराने की समय की ये ट्रिक बना रखी है, उस समय तो करोड़पति बड़ी बहुत अपने आप में विशिष्ट हुआ करता था, आजकल तो उसे कोई मतलब नहीं रहा, पर जो भी है कपिल करोड़पति लालू राबड़ी का पति बिल्कुल ठीक है, उनका पुत्र है वो बड़ा तेजस्वी है ना, तेजस्वी यादव जो याद होगा अभी भी है अपने, और ये है XUT2, ये आपके पूरा स्प्रिंग के लिए, तो एक्चुअली इसमें ये 3 और ये टोटल आपके 6, ये टोटल जो 6 आपके हैं ये सब के सब हैं सीरीज के लिए, ये सब सीरीज में है और ये है पैरेलल उल्टा, जैसे क्या है कि रेजिस्टेंस हम लोग याद करते हैं तो रेजिस्टेंस अपन पढ़ते हैं सीरीज में क्या होता है आपका R1 प्लस R2 होता है ना, और अपन पढ़ते हैं पैरेलल में रेजिस्टेंस तो 1/RP इक्वल टू क्या होता है बेटे 1/R1 + 1/R2 होता है। पर अब इनमें L का भी निकालना हो T का निकालना हो, T होती है अपन जैसे कोयल जो होती है उसको यूज करते हैं, जैसे मान क्वेश्चन आते हैं मोस्टली ये कोई हीटर कोयल है, एक हीटर कोयल आपके पास ये है और इस हीटर कोयल को अपन ने किसी एक ऐसे बर्तन में उसको अपन यूज कर रहे हैं, मान लो उसमें m ग्राम हमारे पास पानी है, ध्यान सुनना m ग्राम हमारे पास पानी है उसको अपन किसी निश्चित टेम्परेचर डिफरेंस के लिए बॉयल कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, दोनों में सेम अमाउंट का वाटर है, दोनों के इनिशियल टेम्परेचर सेम है और उनको सेम टेम्परेचर डिफरेंस अपन बॉयल कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास दो रोड है, एक रोड है रेजिस्टेंस R1 की, एक रेजिस्टेंस हमारे पास R2। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अगर फर्स्ट रोड अपन काम में लें तो पानी उसी पानी है वो T1 समय में एक फाइनाइट टेम्परेचर तक है वो बॉयल होता है गर्म होता है, और अगर इसमें दूसरा अपन यूज करते हैं तो T2 में होता है, T2 में, तो फर्स्ट में T1 से,
T1 टाइम लगता है, दूसरे में T2 टाइम लगता है, वही सेम अमाउंट का वाटर है, सेम टेम्परेचर डिफरेंस, उसको अपन गर्म कर रहे हैं। अब ये कहता है कि दोनों को जोड़ दे अपन सीरीज में तो टोटल टाइम कितना लगना है, दोनों जोड़ दे अपन किस में पैरेलल में टाइम टोटल कितना लगता है। तो ये चीज है ना, वो भी आप इसी से सीख सकते हो। यहाँ पर टाइम जो है ना इसका, वो भी आप यहाँ जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि इसमें 3 मिनट लगते हैं, यहाँ लगते हैं 6 मिनट, दोनों जोड़ दें सीरीज में, तो सीरीज में तो आपको इस तरह से फॉलो करना है। तो T1 प्लस T2 यानी 6 मिनट से 3 जोड़ दो, 9 हो जाएगा। और अगर आपने जोड़ा इसको पैरेलल में तो 1/3 प्लस 1/6 को सॉल्व करेंगे ना, 1/T इक्वल टू, तो आपका 2 मिनट का समय लगने वाला है ना। तो ये बहुत ईजी है, इससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज होगी XUT2, ये स्प्रिंग के अंदर होता है, स्प्रिंग एक है सीरीज में ऐसे, और ये स्टोर्ड एनर्जी के लिए होता है, टाइम पीरियड के लिए होता है, दो स्प्रिंगों के लिए। तो पूरा एक बहुत ही शानदार आपका एक कॉन्सेप्ट है। ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब होती है, ये कैपेसिटेंसेस उल्टा है, यानी इसमें अपन निकालते हैं सी सीरीज, तो ये उल्टा आएगा, 1/C सीरीज 1/C1 + 1/C2। यदि आपको निकालना है सी पैरेलल तो होगा C1 + C2। तो ये सी कैपेसिटेंस अब भूल जाते हैं अपन लोग, तो रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है ना। ये बात ध्यान रखने बाद में अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहां पहले मीडियम को अपन हटा दें तो कैपेसिटेंस सी सी और सी थी, मीडियम को भरने के बाद इसकी कैपेसिटेंस हो चुकी है KC, ये भी बेटा हो गया KC, ये हो गया आपका 2KC, KC KC और 2KC, ये सी कैपेसिटेंस हो गई। अब ये दोनों किस ऑर्डर में, सीरीज में है, जब ये सीरीज में है तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, दोनों इक्वल है तो KC बाई 2, तो इसकी कैपेसिटेंस आपको मिलने वाली है KC बाई 2, ठीक है भाई। अब ये और ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है, तो C1 + C2 जाएगा, तो जोड़ दो इसको कितना हो गया 2KC, KC बाई 2 + 2KC, और इन सब का जो टोटल हमारे पास है वो दे रखा है क्वेश्चन में, कौन सा 4C आपको दिया हुआ है। तो फिर हमसे पूछा कि इसमें K का जो वैल्यू हो कितना है, तो यहाँ इस जोड़ेंगे अपन एलसीएम लेंगे, तो देखो 4C बराबर ये हो गया आपका 4 + 1 = 5, तो 5/2KC, केसी कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 + 2 हो गया ना, तो 1/2 + 2 यानी हो गया 2.5, 5/2। अब इसको अपन करें सॉल्व, तो सी से सी हो गया छम छम, तो इसको छम छम कर दो भाई, सी सी आपका हो गया छम छम हो गया। अब हमको के का वैल्यू निकालना है, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, देखो के की वैल्यू हमारे पास हो गई 2 चला गया ऊपर, तो 4 × कितना हुआ 8/5, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, दोनों चीजें काम आ रही है, मीडियम कैसे आपने भरा, साथ में कैसे अपन सी इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो वो सारा केस आपको समझ में मिल रहा है। बढ़ो आगे, ओके। तो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, टू अनचार्ज कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 μF एंड 4 μF कनेक्टेड बाई ए बैटरी एज गिवन इन द फिगर, द वर्क डन बाई द बैटरी इन चार्जिंग विल बी, आपसे पूछा है कि इसमें टोटल जो वर्क डन है बैटरी ने कितना करना है, कब चार्जिंग के प्रोसेस में। तो एक तो आपको ध्यान इसमें होना चाहिए, आपको पूछा टोटल वर्क डन बाय बैटरी, तो वो हमेशा होता है क्या है, W जो टोटल होता है वो होता है डबल ऑफ यू स्टोर्ड, तो स्टोर्ड एनर्जी उसका डबल होता है। अब आपको निकालने पहले यू स्टोर्ड कितनी है, तो अभी है कैसे पैरेलल में, 6 वोल्ट बेटा जी इस पर है, 6 वोल्ट इस पर है, तो दोनों की एनर्जी उनको अपन जोड़ देंगे, कैपेसिटेंस आपके पास है ही, तो देखो आप इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास सबसे पहले इसके अपन निकालते हैं एनर्जी, तो ½ C V² + ½ C1 V² + ½ C2 V² ऐसे अपने को यूज करना पड़ेगा। तो देखो इस पे वोल्टेज कितना 6 आ गया ना, तो इसकी लिखता हूँ पहले एनर्जी ½ C, तो 2 × 10⁻⁶, क्लियर, × V² हो गया 6² = 36 प्लस अगेन हाफ सी हमारे पास है 4, तो 4 × 10⁻⁶ इंटू अगेन C² तो 36, ये आ गया ना। अब केवल हमको इसको सॉल्व करना है, केवल हमें इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर चेक करना है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, इसमें 2 से इसको ओपन कर देते हैं कैंसिल। अब ये रहा देखो 36 और 36, तो इसमें से अपन अगर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन हमारे पास कितना ही 36, ये भी 36, 72,
तो 72 और 36 आपके पास 6 × 2 6 और 2 12 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, 7 और 3 10 108 108 तो 108 का मतलब हो गया 216 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 और 7 में 10 की पावर का 6 भी आ रहा था ना, 216 माइक्रो भी हमने इसमें जोड़ दिया दोनों को, 10 की पावर -6 कॉमन और रहने वाली है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10^216 × 10^-6 जूल। तो इसका आंसर आपका फोर्थ है वो बिल्कुल सही जाएगा। करें इसको लॉक, तो लॉक कर दिया मैंने। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, इफ पीपीसी हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द वन प्लेट इज ए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, देन द एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल बी। तो आपसे क्या दे रखा है इसमें, लाइन समझना, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन प्लेट इज ई, एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ई दिया हुआ है। जैसे जो पीपीसी हम लोग पढ़ते हैं तो वहां ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट होता है, आपका नेगेटिव प्लेट होता है, आपको कह रहा है कि इस पॉइंट पे जो एक प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई दे रखा है तो इसका भी ई होता है, तो टोटल 2 ई हो गया ना। सिंगल प्लेट का दे रखा है तो नेट जो फील्ड आपका होगा डबल हो जाएगा, इसलिए जो ई हम लोग यूज करेंगे ई नॉट, उसके स्थान पे अब आपको यूज करना है 2E, और ये यूज कर लेंगे तो उसके बाद कोई समस्या है ही नहीं। आपसे पूछा इसमें स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी, तो यू नॉट इक्वल टू जो अपन कहते हैं ना यू अपॉन वॉल्यूम, वो होता है वैसे हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई टोटल का स्क्वायर। अब ई टोटल का स्क्वायर मतलब ई जो भी आपके पास है, तो देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट कितना 2E है, तो इसको ओपन करें तो 2E का स्क्वायर कितना हो गया 4E स्क्वायर, क्लियर, और 2 से 2 आप इसको उड़ा देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर है 2 epsilon naught E square, 2 epsilon naught E square इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़े आगे, ओके, तो अगला क्वेश्चन देखो, अगले में हमारे पास क्वेश्चन है कि एक एन इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन रिक्वायर्स ए कैपेसिटेंस ऑफ 4 microfarad इन ए सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 volt, हमें 4 microfarad का एक कैपेसिटर चाहिए जो कि मैक्सिमम 1000 volt है उसको सस्टेन कर सकता है। अब कह रहा कि इस हेतु इस चीज के लिए आपसे लार्ज नंबर ऑफ 2 microfarad कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू दिस टू हिम, ईच ऑफ विच कैन विदस्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ नॉट मोर देन 200 volt। ये कह रहा कि इस काम के लिए हमारे पास 2 microfarad धारिता के और 200 वोल्ट सहन करने वाले अनेक संधारित्र उपलब्ध हैं, तो इसके लिए आवश्यक ऐसे न्यूनतम संधारित्रों की कैपेसिटर्स की आपको संख्या फाइंड करनी है। तो इसका जैसे सिंपल सा एक लॉजिक होता है कि जैसे इसमें जो नंबर अपन निकालते हैं एन जो आपके पास होता है मिनिमम वो, तो वैसे इसको ज़्यादा समझना हो तो पहले देखो हमें चाहिए कितना 1000 का, तो अगर हम जोड़ें 200 वोल्ट के 5, जैसे मान लो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये 5, इसने सहन करना है 200 वोल्ट, ये भी 200 वोल्ट, ये भी 200 वोल्ट, ये भी आपका 200 वोल्ट है, ये भी 200 वोल्ट है, और अगर मैं यहाँ जोड़ दूँ एक बैटरी कितने से 5 से, तो ये एक 200 वोल्ट सहन कर सकता है, तो ऐसे हमारे पास कितने 5 हो गए। तो अगर मैं यहाँ इस बैटरी को जो कि मैं वेरिएबल है मान लीजिएगा और इसको 1000 वोल्ट की बैटरी मान लूँ, तो ये अभी सारे के सारे क्रिटिकल कंडीशन में है, ऑपरेट करेंगे पर जैसे ही इसका वोल्टेज थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये ब्रस्ट हो जाएगा। अब मान लो मेरे पास ये तो फिक्स है और ये मेरे पास है फ्रीडम और मुझे कम से कम कैपेसिटर लगाने हैं, मैं एक लगा दूं तो अप्लाइड है 1000 है और ये सस्टेन कर सकता 200, एक ब्रस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दो लगाने पर ये 400 सहन कर सकते हैं, लगाया आपने कितना 1000, तो भी आपके ये ब्रस्ट हो जाएंगे, और 3 से 600, 4 से आपके 800, उसके बाद भी पॉसिबल है ना, तो कम से कम आप एक क्यू में एक पंक्ति में 5 capacitor अप्लाई कर सकते हैं, इससे कम अप्लाई नहीं कर सकते। तो कम से कम आपसे पूछा तो आपने इतना करना है। अब चूंकि इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास थी एक की 2 microfarad, ये भी 2, 2, 2, 2 और 2, ये सब कैसे सीरीज में है, तो इस एक क्यू की जो हमारे पास है ना 2/5, ये इसकी टोटल कैपेसिटेंस आ गई। अब हमको चाहिए कितनी कैपेसिटेंस, 4 चाहिए, तो देखो
ये एक कैपेसिटर है, ऐसे अब एक कैपेसिटर बन गया 2/5 का, ऐसे अपन कितने कैपेसिटर लगाएं, यानी 2/5 इंटू एन, जिससे कि कैपेसिटेंस नेट कितनी हो जाए 4। तो इसको अपन चेक करेंगे अब, तो हमारे पास एन का वैल्यू कितना 5 × 4 2/5। न्यूनतम संधारित्रों की संख्या कितनी होगी, तो ये 5 × 4 का मतलब हो गया 20, टू बाई फाइव। इसको अपन किससे गुणा करें जिससे कि 4 हो जाए, अच्छा ओह बिल्कुल ठीक ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो हमारे पास अभी इसको सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू कितनी है, देखो इससे सॉल्व करने पे हमने फाइंड किया कि 2/5, तो n का वैल्यू मेरे पास तो बेटा कितना आया 5 × 4/2, मैं कुछ और ही बात सोचने लग गया, तो 20/2 का मतलब हो गया 10। क्लियर, अब सुनो ऐसी हमें 10, ये n यहाँ पे है, नंबर ऑफ क्यूज है, पंक्तियों की संख्या है, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति ऐसे आएगी ना, तो पहली पंक्ति में कितने सेल हैं 5, ऐसी 10 क्यूज हैं, ऐसी 10 पंक्तियां हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 × 5, तो 50 इसके सेल आपको लगाने पड़ेंगे। ये तो बात आ गई, पूरा इसको समझने की, इसको ट्रिक से करना हो तो जो n आपके मिनिमम जो होते हैं इसको आप याद कर सकते हो, ऐसे जैसे अपन u पढ़ते हैं, u हमारे पास होता है cv स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला तो याद रहता है, तो इसी से ट्रिक बनाती है मैंने, तो n जो कम से कम आपका है ना वो होता है cv स्क्वायर, मतलब c न्यू जो आपको रिक्वायर्ड है अपॉन c जो एक की है इंटू v न्यू जो आपको चाहिए अपॉन कितना v, और इसमें cv स्क्वायर है इस पर तो स्क्वायर। अब C कितना चाहिए अपने को 4, ये है न्यू जो आपको चाहिए, ये C है एक कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस, तो कितना 4/2 हो जाएगा इनटू V न्यू आपको चाहिए 1000, 1000 अपॉन कितना 200, तो 1000/200 कितना हो गया 5, इसका स्क्वायर भी है, तो 5 का स्क्वायर 25 और इससे हमारे पास कितना 2, तो 25 × 2 कितना हो जाएगा 50। तो कैसे भी करें ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, ये ऐसे क्वेश्चंस मैंने सारे सिलेक्ट किए हैं जिसमें क्वेश्चंस आपके रिपीट हो ही रहे हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से इनको आप सॉल्व करें, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट 50। ओके बढ़ते हैं आगे, देखो तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि APPC विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 9 pF, ठीक है जी, द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट्स इज डी, एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस दे रखा है और उसका सेपरेशन कितना है डी है, जैसे मान लो ये कोई हमारे पास एक पीपीसी था येलो और इसकी कैपेसिटेंस हमको दे दी गई है सी नॉट, दैट इज 9 pF और इन दोनों के बीच का सेपरेशन है डी। अब कह रहा है द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट डी, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद टू डायलेक्ट्रिक्स, वन ऑफ द डायलेक्ट्रिक हैज डायलेक्ट्रिक K1 3 एंड डिस्टेंस या थिकनेस है वो D/3 है, तो थिकनेस इसकी D/3, इसका मतलब जो टोटल आपकी डिस्टेंस थी उस डिस्टेंस का जो 1/3 पोर्शन है, ये वाला पोर्शन 1/3 जो पोर्शन है उसको भर दिया गया है 1/3 को D/3 को, किससे भाई K1 = 3 से, K1 = 3 से आपने इसको भरा हुआ है। अगला जो इसका पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है 2D/3, उसको भरा गया किससे K2 = 6 से, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला इसमें हमने भरा बेटा जी 2D/3 इसका डिस्टेंस हो जाएगा और इसका K2 हमको दिया जा रहा है, ये आपका है 6। तो अब पूछा कि ऐसे में जब पहले पूरे में एयर था तब इसकी कैपेसिटेंस 9 pF थी, तो अब कितनी कैपेसिटेंस है, तो डिस्टेंस डिवीजन बन गया, तो डिस्टेंस डिवीजन में माध्यम को भरने के बाद जो इसकी सी बनती इक्विवेलेंट वो हम लोग पढ़ते हैं एप्सिलॉन ए अपॉन D1/K1 + D2/K2, तो D1 हमारे पास है D/3 डिस्टेंस है और K1 वो हमारे पास है 3 प्लस ये आपका 2D/3 और K हमारे पास है 6, ये कितना हो जाएगा 6। ये फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसमें एप्सिलॉन ए D1/K1 + D2/K2 और आपने भर रखा हो मान लो इसमें एरिया डिवीजन के अकॉर्डिंग
तो बनता है एप्सिलॉन अपॉन डी इनटू कितना ए वन डी वन प्लस ए टू डी टू, इस तरह से फॉर्मूले बनते हैं। तो उनको फॉलो करते हुए आप आंसर इसका निकाल सकते हो। अब सुनो भाई, इसमें है 1/9 और इसको भी यहां से उड़ा दो तो कितना 3 आ गया क्या, तो 1/9, तो 1/9, 1/9 का मतलब हो गया 2/9, 2/9, 9 से लगा ऊपर, इसका मतलब 9/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और इसको हम लोग कर दें 4.5 और एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये इसकी कैपेसिटेंस आपको मिलने वाली है। अब चूंकि आपको मालूम है कि जब इसमें पूरे में एयर था तब कैपेसिटेंस इसकी 9 थी, तो इसको ऊपर 9 से कर दें मल्टीप्लाई, 9 पिको फैरड, तो 9 पिको फैरड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 कितना हुआ, 9 45, तो 5 कैरी कितनी होगी इसकी, 4, 9 × 4 कितना 36, 7, 8, 9, 10, तो ये हो गया आपका 40.5 पिको फैरड, इसका मतलब इसका राइट आंसर हो गया आपका थर्ड। तो ये, और देखो एक ध्यान और रखना है इसमें कि ये जो आपका क्वेश्चन है इसके साथ क्वेश्चन जो आपका, आपने यहाँ एक प्लेट भर रखी है, दो मान लो यहाँ 3 मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, सेकंड, फिर थर्ड मीडियम, या फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड और आपका एक फोर्थ, ये 4-5 क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर लेने चाहिए, क्योंकि नीट यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, जी मैन यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, 100% मान के चलो, 100 नहीं 200% यहाँ मीडियम विद कैपेसिटर है, पक्का क्वेश्चन आने वाला है, लॉक कर लो मेरी बात को, आपको क्वेश्चन ये मिलेगा निश्चित रूप से। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे, देखो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको भी आप ढंग से ट्रीट करें। देखो दो क्वेश्चन लिए मैंने इसके लिए, एक पहला क्वेश्चन है दोनों प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए। तो देखो क्वेश्चन ये है कि इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड इन द गिवन सर्किट, इनिशियली स्विच एस इज क्लोज्ड इन द गिवन सर्किट, इफ स्विच इज ओपन्ड देन टू ऑब्टेन स्टेडी स्टेट कंडीशन, ये कह रहा है कि पहले क्या है, आरंभ में स्विच बंद है, क्लोज्ड है, यानी स्विच को आपने पहले बंद कर रखा है, उसके बाद इसको अपने ओपन कर लिया, तो ये पहला केस मान लो, इसको दूसरा केस मान लो, तो पहले केस में इसको अपने ओपन कर रखा है तो सी ये सारे कैसे आपके हैं, शॉर्ट सर्किटेड है, ये सर्किट में इन्वॉल्व नहीं है, चार्ज आपका जो भी है वो यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ जा रहा है, तो इनिशियली आप देखेंगे तो सी है वो चार्ज है ओनली, कौन सा ये वाला, तो इसकी सी इक्वलेंट कितनी है, सी ओनली, तो चार्ज कितना बैटरी से ट्रांसफर हुआ है, तो इसकी सी इक्वलेंट इनिशियली हमारे पास है सी, और क्यू सप्लाइड बाई बैटरी जो है वो बेटा जी है सी इक्वलेंट इंटू वी बैटरी, दैट इज सी वी, ये फर्स्ट कंडीशन। पर जब से ही आपने क्या कहा, यदि इसको अपन ओपन कर दें, ओपन करने के बाद में तो ये सारे आपके ऐड हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में देखो ये सी 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 और सी, ये सब के सब इनके हटाते ही ये बन गए, सारे सीरीज में बन गए, तो ऐसे में अब इसका जो सी इक्वलेंट डेस आपको मिलने वाला है सी बाई फोर, वोल्टेज तो आपका अभी भी है, तो अब इसका जो क्यू सप्लाइड बाई जो चार्ज है बैटरी, वो क्यू डेस हो गया सी इक्वलेंट इंटू वी, दैट इज सी बाई फोर इंटू वी आ गया। तो पहले इस सिस्टम पे चार्ज सप्लाइड था सी वी, अब कितना सी बाई फोर, यानी सिस्टम के पास पहले यहाँ जो चार्ज था इस पूरे सिस्टम के पास था वो ओनली सी वी था, और अब वो घट करके पूरे से हो गया सी बाई फोर। तो देखो यहाँ कैपेसिटेंस का चार्ज कम हुआ है, तो कहाँ गया, हम जानते हैं चार्ज कंजर्वेशन लॉ का कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, कहीं कोई अपवाद नहीं होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज आपका फिक्स है, आप प्लस चार्ज को इंक्रीज कर सकते हो, माइनस को डिक्रीज कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर सृष्टि में नया चार्ज डेवलप नहीं होता है, नया मतलब नया नेट चार्ज कभी प्रोड्यूस नहीं होता, वो फिक्स है। तो देखो अब हम इसमें ये देखें कि व्हाट इज द चार्ज चेंज, चेंज कितना हुआ, डेल्टा क्यू कितना हुआ, तो बाद का कितना बेटा है सी बाई फोर वी, पहले क्या था आपका सी वी, तो ये हो गया माइनस का 3/4 सी वी, ये क्या हुआ भाई, ये इस सिस्टम का चार्ज कम हुआ तो कहां चला गया, बैटरी के पास आया, तो चार्ज बैटरी से सिस्टम की तरफ जा रहा है या सिस्टम से बैटरी की तरफ आ रहा है, तो सिस्टम चार्ज घटा है इसका मतलब बैटरी की तरफ आया, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं ए से बी चार्ज ट्रेवल हुआ है, कितना 3 CV/4, 3 CV ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ 3 CV/4 आवेश है वो ट्रांसफर होगा, चार्ज फ्लो फ्रॉम, ठीक है, चार्ज 3 CV/4 फ्लोज फ्रॉम ए टू बी,
ए से बी की तरफ इतना आवेश, बी से की तरफ इतना आवेश, ये चार्ज आपका ट्रांसफर है वो हो जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट। अब इसी थीम को लेते हुए, चूंकि क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकते हैं इसलिए दोनों मैंने लेने उचित समझे, तो देखिएगा यहां पहले कैसा ओपन है फिर उसको अपन क्लोज कर रहे हैं। तो कह रहा है स्विच को बंद करके पुनः स्थायी अवस्था प्राप्त होने तक आवेश कितना फ्लो होगा। क्वेश्चन है इन द सर्किट ऑन इन फिगर चार्ज फ्लो ऑन द क्लोजिंग द स्विच टू ऑब्टेन स्टडी स्टेट अगेन। अब पहले स्टडी स्टेट कंडीशन है उसको आपने ऑन किया स्विच को, उसके बाद नई कंडीशन आएगी तो तब की पूरी प्रोसेस में कितना यहाँ चार्ज फ्लो हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ देखना है। तो मान लो ये फर्स्ट, मान लो इसको मान लो सेकेंड, ये बेटा इनिशियल, ये फाइनल। तो इनिशियली ये ओपन है, ओपन है तो ये वन और वन कैसे हैं पैरेलल में, तो टू हो गया, टू और टू कैसे सीरीज में, तो वन हो गया। इसका मतलब सी जो इक्विवेलेंट है पहले वो है 1 माइक्रोफैरड और वोल्टेज हमारे पास है 15, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चार्ज सप्लाइड बाई बैटरी जो है सप्लाइड इनिशियली वो आपके पास है सीवी, तो 15 को इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो 15 माइक्रो कूलम चार्ज कहां से है, देखो सीवी, सी हमारे पास है 1 माइक्रोफैरड और वोल्टेज मेरे पास कितना बेटा जी 15, तो 15 माइक्रो कूलम इसका चार्ज आपका इनिशियली आ जाएगा। अब उसके बाद आपने इसको ऑन कर दिया, फिर नई कंडीशन आएगी तो अब ये काम नहीं करेंगे, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया 2, तो सी इक्विवेलेंट डेज हमारे पास कितना हो गया 2 माइक्रोफैरड हो गया डेज, वोल्टेज वही है। तो अब इसमें जो नया चार्ज है ना क्यू सप्लाइड बाय बैटरी वो कितना हो गया, नई कैपेसिटेंस 15 × 2 = 30, तो 30 माइक्रोफैरड आ गया। तो पहले कैपेसिटर के पूरे सिस्टम पे चार्ज था 15 माइक्रोफैरड, अब कितना है 30, तो चार्ज बढ़ गया ना। तो अपन यहाँ निकालेंगे चेंज इन चार्ज 13 माइनस का 15 या कौन सा आपका 30 अपॉन माइनस 15 या 30 माइनस का 15, तो कितना 15 ही आ गया। तो यहाँ चार्ज देखो बैटरी से सिस्टम की तरफ जा रहा है, कितना यानी बी से ई जा रहा है, बी से ए, ये दोनों कैंसिल है, बी से ए, बी से ए की तरफ 15 माइक्रोकूलम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड। फिर है आपसे पूछा कि इसमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जबकि आप फाइंड करोगे तो आपको ऐसे फॉर्मूले का यूज करना चाहिए जिससे कि आप इजीली सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। हम जानते हैं क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो इससे अपन निकालेंगे सी, तो मेरे पास आया क्यू अपॉन वी। आप ये भी जानते हो डब्ल्यू इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी, तो इससे वी मेरे पास है डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो मैं इसमें इस V के स्थान पर W अपॉन Q सेम में रखता हूँ, तो देखो मेरे पास आ गया Q अपॉन V हमारे पास है W अपॉन Q, तो Q का स्क्वायर कर दूँ। अब Q तो चार्ज है, चार्ज अपन निकालते हैं करंट से तो होता है AT, तो आप इसको क्या लिखेंगे A स्क्वायर T स्क्वायर, और एनर्जी अपन जानते हैं M1 ये आपका L2 T माइनस का 2, सॉल्व करेंगे तो M हो गया माइनस का 1, L हो गया माइनस का 2, T माइनस का 2 ये पड़ा 2 और आगे, तो T की पावर 4 और ये हो गया बेटा जी A की पावर 2, m-1 l-2 t^4 a + a+2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर अपन देखें -1 -2 = 4 2, ये इसका फोर्थ आंसर आपका करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, अब दो यहां इसमें ये भी कर सकते हो आप, अपन जानते हैं इसमें कि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है u, स्टोर्ड एनर्जी अपन जानते हैं u आपका जो होता है u होता है q² / 2c, 2 तो आपका डायमेंशनलेस होता है, यहां से अपन c निकालेंगे तो सी मेरे पास है q² / u, है ना, तो इससे इजी है, q अपन जानते हैं चार्ज a² t² और एनर्जी अपन जानते हैं m1 l^(t-2), तो वही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो कौन सा फॉर्मूला लेते हैं इसमें थोड़ा सा आपको पर w लेना पड़ा, ये आपका डायरेक्ट है, जो आपकी चॉइस है उससे क्वेश्चन करें, पर एक स्टेप में क्वेश्चन आपका होना चाहिए, तो फॉर्मूला इतना ही लें जैसे कि एक सिंगल स्टेप में आपका आंसर हो जाए। ओके, बढ़ते आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, तो अगला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यह है ए 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर। देखो ये कोई कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैरड का और इसको अपन बैटरी चार्ज कर रहे हैं, बैटरी का वोल्टेज आपको दिया हुआ नहीं है, मैं उसको वी एज्यूम कर लेता हूँ। क्लियर, अभी कह रहा है द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू द पोजिशन 2 इज, पहले 1 पे है और 1 से इसको अपन 2 पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो कह रहा है कि 1 से 2 शिफ्ट करने पर जो एनर्जी इसकी स्टोर्ड है उसका कितना परसेंटेज पार्ट है वो लॉस होता है।
यानी आपको इसमें फाइंड करना क्या है, वो है डेल्टा जो आपका ई लॉस और यू जो आपका था पहले इनिशियल स्टोर्ड का परसेंटेज वैल्यू, यानी उसको 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये काम करना है मोटा मोटी। अब मोटा मोटी 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 जो काम है वो क्या हुआ, देखो तो सबसे पहले तो लॉस कितना हुआ, तो लॉस में देखो ये वोल्टेज अगर वी आप देखें तो यहाँ वोल्टेज वी ये कनेक्टेड है, इस पे वोल्टेज वी है, यानी वी वन तो आपका है वी, पर वी टू बेटा कितना है जीरो, सी वन हमारे पास ये है, सी टू हमारे पास ये है, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी है तो मैं इसका पहले फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो निकाल लूँ, तो ध्यान दो हाफ सी वन इंटू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू होता है वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर, तो वी टू जीरो है तो ओनली आपका वी स्क्वायर आ गया, ओनली वी स्क्वायर। अब स्टोर्ड एनर्जी इनिशियल क्या थी, वो थी इसके पास है, यहां तो नहीं है, तो हाफ ये सी वन और वी स्क्वायर, हाफ सी वन इंटू वी स्क्वायर ये स्टोर्ड एनर्जी है, ये हो गया आपका फ्रैक्शनल पार्ट, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका परसेंटेज लॉस। तो अब देखो यहां इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, सी वन से सी वन कैंसिल, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बची, देखो वो है सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये सबसे शॉर्टेस्ट इसका सॉल्यूशन, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास सी टू कितना बेटा जी 8 और सी वन कितना 2 प्लस कितना हो गया 8, तो 8 अपॉन 10.8 जिसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर है वो 80% है वो आ जाएगा। तो जो इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी थी उसका 80% लॉस हो गया। अब इसके पास स्टोर्ड है कितना 20% है, ये पूछे ना जो रिमेनिंग पार्ट कितना है परसेंटेज में, तो 20% आंसर आएगा, और ये पूछे लॉस कितना हो गया, तो आपका आंसर है 80%। ठीक है, बढ़ते आगे देखो। नेक्स्ट है इन ए पीपीसी द कैपेसिटर इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस इफ, तो पीपीसी ये बेसिक क्वेश्चन ओनली स्कोरिंग के लिए मैंने लिया है, तो C इक्वल टू अपन पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, तो कैपेसिटेंस तभी बढ़ेगा जब आप प्लेट एरिया बढ़ाओगे, मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाओगे या डिस्टेंस घटाओगे। तो देखो पहला है कि प्लेट एरिया को घटा दें, नो, प्लेट एरिया है उनका डिस्टेंस बढ़ाएं, नो, एरिया को बढ़ाएं, यस, तो एरिया को बढ़ाने से कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 आइडेंटिकल मेटेलिक स्मॉल स्फीयर्स ऑफ चार्ज क्यू, ध्यान देखो अपने पास ये कोई स्मॉल स्फीयर है, ये स्मॉल स्फीयर जिसका आर रेडियस मान लो और इस पे चार्ज आप उधर रखा है क्यू और बोला कैपेसिटेंस की सी है, तो ऐसे हमारे पास 64 बॉल्स हैं, इन सबको मिक्स करके आपने एक बड़ा स्फीयर बना दिया जिसकी रेडियस मान लो ये सी स्मॉल है और इसकी रेडियस आपकी मान लो सी होगी लार्ज और कैपेसिटेंस इसकी है मान लो सी बिग। अब ये सी बिग कितना होगा और इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो एक तो अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अगर एक बॉल पे चार्ज स्मॉल क्यू है, दूसरे पे कितना स्मॉल क्यू, ऐसे ऐसे हमारे पास 64 ड्रॉप्स हैं तो सबको ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज इसमें कितना आ जाएगा, क्यू टोटल जो हमारा है वो तो है 64 into Q, 64 Q, तो इसमें ये दो तो आंसर आपके पहले से गलत हो गए, बचा कौन सा फर्स्ट और थर्ड, इनमें से दोनों में आपको देखना है। और वैसे अगर कैलकुलेशन नहीं भी करो ना तो कैपेसिटेंस बदलेगी तो सी तो रहेगी नहीं, इसमें ये तो गलत है ही, ये आपका सही हो गया, फिर भी देखना हो तो इसे जब भी आप मिक्सिंग करते हैं ड्रॉप्स की तो मिक्सिंग के अंदर मेनली देखो अगर मेटेलिक ड्रॉप्स हैं सारी, जैसे मान लो मरकरी है तो मेटल्स की चार्ज उसकी सरफेस जाएगा, तो मेटेलिक मरकरी के रूप में होने पर जो इसमें अपन निकालते हैं कैपेसिटेंस सी बिग वो आपको मिलती है एन की पावर 1/3 इंटू सी स्मॉल, एन यहाँ पे है टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स, तो एन हमारे पास था 64, ये लो बेटा 64 और इसकी पावर कितनी 1/3 इंटू सी स्मॉल, तो 64 का अगर हम करें 1/3 यानी क्यूब रूट करेंगे तो आ जाएगा 4, तो 4C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे अपन आराम से टिक कर सकते हैं ना, तो ये क्या देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले में क्या देखो, ए सीट ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ फॉइल ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हमने एक पीपीसी ले रखा है उसके अंदर बहुत पतली सी एक स्ट्रिप है वो अपन अगर इंट्रोड्यूस तो उससे कैपेसिटेंस अपन जानते हैं उससे कोई बड़ा फर्क नहीं होता है, जैसे आपने पढ़ा इसमें सी
जब पार्शियल विद मीडियम जो होता है सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस का टी और प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, जहां टी है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लेब है उसकी मोटाई। मान लो कैपेसिटर था हमारे पास और ये कोई स्लेब है एक, इसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एप्सिलॉन आर है, इसकी विड्थ कितनी है मेरे पास स्मॉल टी और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना डी है, तो ये हम लोग करते हैं। अब देखो ये टी तो बहुत छोटा सा नेग्लिजिबल है, ध्यान सुनो प्लेट किसकी है एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम प्लेट होने पे इसका एप्सिलॉन आर हो गया इन्फिनिटी, तो टी अपॉन इन्फिनिटी हो गया जीरो, बचा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। अब डी माइनस टी में जो टी तो नेग्लिजिबल है, तो जब डी माइनस टी में टी नेग्लिजिबल है तो हमारे पास जो इसका सी आएगा वो तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी तो आ गया ना, इसका मतलब जो कैपेसिटेंस इसकी एयर फील्ड पीपीसी की थी वही विद मीडियम या विद एल्युमिनियम सीट हो जाएगा। तो एल्युमिनियम की सीट के बहुत थिक होने पे, बहुत थिक होने पे तो इसका सी बदलेगा, पर बहुत थिन होने पे, बहुत पतली होने पे इसके सी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, इसलिए आंसर इसका आपका ना ये सेकंड ही रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन इसमें है कि इस गिवन सर्किट में जो आपका ये कैपेसिटर है 4 माइक्रो का, 3 का और 2 का, ये कह रहा है कि इस वाले में जो इसकी जो अपर प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये प्लेट, इसको आपने 80 माइक्रोकुलम चार्ज दिया है, 80 माइक्रोकुलम, तो इस पे अगर प्लस का है वेटेज तो यहाँ माइनस का। अब उसके बाद देखो यहाँ से चार्ज है वो इंटर करेगा, तो जहाँ चार्ज इंटर हो रहा है वहाँ तो प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो आपसे पूछ रहा है कि 3 माइक्रोफेड जो कैपेसिटर है उसकी जो ऊपरी प्लेट है, टॉप प्लेट है, अपर प्लेट है, उस पर चार्ज कैसा आएगा, तो प्लस का आएगा, ये तो बात श्योर है। अब कितना आएगा वो देखना है, तो चार्ज यहाँ से इंटर कर रहा है उसके लिए ये दोनों कैपेसिटर कैसे आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो अपन जानते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी और पैरेलल में वी होता है आपका कांस्टेंट, तो वी को ओपन कर दे मान लो कांस्टेंट, तो क्यू प्रोपोर्शनल टू हो गया सी। चार्ज यहाँ से मान लो क्यू इंटर कर रहा है, इसका एक हिस्सा यहाँ मान लो क्यू वन है, एक हिस्सा आपका है इस तरह का क्यू टू है, ये क्यू वन क्यू टू जो है वो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम इसको अगर क्यू वन रेशियो क्यू टू करते हैं तो ये आता है आपका सी वन रेशियो सी टू, इसका रेशियो इसके साथ देखो तो ये हो गया आपका 3:2, तो अगर मुझे निकालना है 3 वाले की कैपेसिटेंस तो 3/5, तो क्यू वन मेरे पास आ जाएगा 3/5 इंटू टोटल चार्ज दैट इज 80, तो 80/5 कितना हुआ 16, तो 3 कितना हुआ 48, तो प्लस का आ जाएगा, तो 48 माइक्रोकुलम प्लस का इसका आंसर आपका बन जाएगा। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन जो है आपके इलेक्ट्रिक करंट के हैं उस पर बनाते हैं। हाँ, इसमें जैसे एक जो क्वेश्चन आके बनते हैं ये जो प्लेट्स वाले इस तरह वाले क्वेश्चन, ये आप कर लेंगे, एक जो मीडियम जो फिल करते हैं अपन इस तरह से यूं, ये पहला मीडियम K1 है, K2 है, ये मान लो K3 है, तो ये दो क्वेश्चन आप ठीक से खुद और प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी मैंने आपको बता दिए हैं कैपेसिटेंस में इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, तो अब देखो अगला क्वेश्चन है, ए सीट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर, ए सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर ऑफ वैल्यू कैपिटल आर, ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई एंड इंडक्टेंस आर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास आर रजिस्टेंस है, जैसे देखो ये पहला रजिस्टेंस है, फिर ये दूसरा रजिस्टेंस है, फिर तीसरा रजिस्टेंस, ऐसे हमारे पास एन रजिस्टर है और हर का रजिस्टेंस कितना कैपिटल आर है। ठीक है जी, तो ऐसे में इस पूरी एक क्यू जो है बन गई हमारे पास, इसका रजिस्टेंस कितना एन आर हो गया भाई। अब कह रहा है कि इस पूरे ग्रुप को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ये लो बैटरी जोड़ दी मैंने, और इस बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है वो भी कैपिटल आर ही है। ठीक है जी, ये बैटरी का वोल्टेज आपका ही है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कह रहा है ओके है। अब कह रहा है इसमें करंट आई है, तो ये आई करंट कितनी होगी, देखो आई करंट है ई अपॉन ये है रेजिस्टेंस कितना एन आर प्लस आर, तो एन आर प्लस आर एन आर प्लस आर, ये इसकी इलेक्ट्रिक करंट है इनिशियली, तो कोई इशू नहीं है। अब देखो क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि अगर इन सारे रेजिस्टर्स को हम वापस जोड़ देते हैं, ओहो पहले कैसे बेटा, ये सारे के सारे पैरेलल में हैं, उसके बाद इनको जोड़ रहे हैं हम लोग कैसे सीरीज में, तो देखो उल्टा क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको उल्टा पढ़ लेते हैं अपन वापस, ये देखो कोई समस्या नहीं, इसी को अपन मॉडिफाई कर लेंगे, जान दो। तो पहले कैसे हैं सेल, आर रेजिस्टर है हमारे पास, एन आइडेंटिकल है, सबको ईस जोड़ा गया है, सब जोड़ रखे हैं पैरेलल, तो मान लो ये रेजिस्टेंस आपका आर है, ये भी आपका आर है, ये भी आर है, ऐसे करते करते हमारे पास ये एन रेजिस्टर है,
वो सब के सब कैसे आपस में पैरेलल। तो फर्स्ट केस में जो करंट आपको दे रखी है ना इन सब में, तो ये रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस कितना हो गया R बाई एन, और प्लस ये R, टोटल इसका अपन निकालेंगे R इक्विवेलेंट, तो ये हो गया आपके पास R बाई एन प्लस R। तो करंट जो इसमें अब फ्लो करेगी कितनी फ्लो करेगी, उसको दे रखा है I, है ना। अब कह रहा है कि पहले करंट तो I थी, पर अगर इन रेजिस्टेंस को अपन जोड़ दें सीरीज में तो जो करंट है वो I बाई नाइन हो गई। तो अब जो करंट आपके पास है वो कितनी है, करंट यहाँ जो करंट है वो आपकी I बाई नाइन है, उसके कंपेरेबल करंट आपकी हो गई I बाई नाइन। तो आपसे पूछा है कि अब इसमें स्मॉल n का वैल्यू कितना है, तो देखो I सीरीज दे रखी है अपने को I बाई नाइन, और सीरीज में करंट है कितनी, ये करंट देखो, तो इसको अपन लिखें E अपॉन n, इसमें से R अपन कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका n प्लस वन, ये करंट है इज इक्वल टू वन बाई नाइन। ये करंट थी पहले वाले में, तो उसकी वैल्यू देखो हमारे पास है E अपॉन है, वहां पर भी R n बाई R है जिसमें से R अपन ले लें कॉमन, तो बन गया हमारे पास वन अपॉन एन प्लस वन, एल इलेवन से एल सी एम, तो हो गया हमारे पास वन प्लस एन। इससे हमको सॉल्व करना है। अब देखिएगा, इससे E कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, और इस n को ले लें ऊपर अपन, बोलो, और ये n प्लस वन से n प्लस वन भी कैंसिल हो गया, तो n चला गया ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो n इक्वल टू नाइन आ गया। ये लो भाई, तो पहले था कॉम्बिनेशन पैरेलल, उसके बाद में है सीरीज, और उसके साथ ही आप क्वेश्चन का आंसर देखते हो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड 9। ओके, तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है कि एक हमारे पास रेजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, वायर को अपन ने खींचा और उसकी लेंथ अपन ने करी 3 times, तो जब भी लेंथ को अपन खींचते हैं तो उस रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपको मालूम है आर डेस इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर इंटू आर। एन यहाँ पे क्या है, ये बाद की लेंथ और पहले लेंथ का रेशियो है, एल डेस बाद की लेंथ और पहले की लेंथ का रेशियो, आपने इसको किया 3 गुना, तो 3L बाई L, ये से कैंसिल, हमारे पास L आ गया, N 3 हो गया, तो अब इस वैल्यू पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9R, तो इसका आंसर आप हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट देखो, अगले में आपसे बोला है कि द पोटेंशियल डिफरेंस VP माइनस VQ इन गिवन सर्किट विल बी, गिवन सर्किट में हमको VP माइनस VQ फाइंड करना है। ओके, तो VP माइनस का VQ है साहब, तो देखो हमारे पास सर्किट ये वाला है, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली अपन इसमें जो KVL जो होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसको अप्लाई करके हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो देखो उसके लिए आपको दे रखा हिंट, करंट है 1 एम्पियर, तो करंट जहां से इंटर होती है वो हाई पोटेंशियल एंड प्लस माइनस, सेल में होता है स्मॉल प्लेट माइनस लार्ज प्लस, रेजिस्टेंस में जहां इंटर हो प्लस आउट माइनस, सेल का लार्ज प्लस स्मॉल माइनस। क्लियर, आपको निकालना है VP माइनस का VQ, तो डायरेक्ट देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यदि आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और VP माइनस का VQ निकालना है, तो जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से आप चलना शुरू करो और डायरेक्ट ले दो आप VP माइनस का VQ, फिर जो पहला सिंबल आता है उसी के साथ यानी प्लस, इसमें करंट कितनी, इसका वोल्टेज डिफरेंस कितना 2 × 1, तो 2, अगले में माइनस माइनस 6, फिर प्लस 2 × 1, अगेन प्लस 2, फिर देखें हम लोग, तो प्लस माइनस, तो प्लस प्लस कितना बेटा जी 2 हो गया, ये इसका आंसर है। आप ये लिखो ना ऐसे कि VP स्टार्ट करते हो तो फिर आगे वाला सिंबल लेते हैं ये, फिर प्लस, फिर माइनस, ये तो इजी करने के लिए, एक स्टेप में करने के लिए आप इसको ऐसे फॉलो कर सकते हो कि VP माइनस VQ इक्वल टू, आप स्टार्ट कर दो अगेन, इसको लिखना सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को, पर स्टार्ट ऐसे करो कि जो भी अपने पास अप्लायंस है उसका जो स्टार्टिंग सिंबल है प्लस माइनस 2, उसी के सिंबल के साथ उसका पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख दीजिएगा और फिर सबको ऐड कर दो, ऐड करने पे जो भी आपका एलजेब्रिक सम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखो 2 × 2 = 6 माइनस ये 0 हो गया भाई, तो इसका आंसर तो खुदा पहाड़ निकला 0, आंसर इसका हो गया ना, तो खुदा पहाड़ निकला कुछ नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो हमारे पास
मेटेलिक वायर है उनको हमने जोड़ दिया पैरेलल। तो पैरेलल जोड़ने पे इसका जो इक्विवेलेंट वायर हम लोग बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टी हमसे पूछ जा रही है। ठीक है जी, ये कह रहा है कि दो तार हमारे पास हैं, उनकी जो कंडक्टिविटी है सिग्मा और टू सिग्मा, इसकी है सिग्मा और ये है टू सिग्मा, और आपसे पूछा कि इसका सिग्मा इक्विवेलेंट है वो कितना है। आइडेंटिकल का मतलब है कि इसकी लेंथ एल है तो इसकी लेंथ भी एल है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। जब जोड़ दें इनको अपन पैरेलल तो सिस्टम की जो लेंथ है वो भी आपकी एल होगी, पर जो इसका एरिया है वो कितना हो जाएगा आपका 2a। अब मेन चीज ये है कि जो अपन पढ़ते हैं रेजिस्टेंस r इक्वल टू रो l बाय a होता है, तो l अपॉन सिग्मा इनटू a, क्योंकि जो आपका रो होता है वो होता है 1 अपॉन सिग्मा, या सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो। तो हमने रेजिस्टेंस को यूज कर लिया किसमें, कन्वर्ट कर लिया सिग्मा की टेंडेंस सिग्मा के फॉर्म में। अब 1 अपॉन आपको r चाहिए तो कितना सिग्मा इनटू a अपॉन l हो जाएगा, क्योंकि ये जोड़ रखे अपन ने पैरेलल, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस R1 है ये R2 है, ये आपका R इक्विवेलेंट है। तो अपन क्या लिखते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। अब इन सब की वैल्यू को हमको ये L है सिग्मा की टर्म्स में लिखना है, तो 1 अपॉन R को अपन लिखेंगे सिग्मा इंटू ए बाई एल। तो देखो यदि सबसे पहले इसका अपन लिखें, ये सिग्मा है तो सिग्मा इंटू ए अपॉन लेंथ एल प्लस इसका टू सिग्मा है तो 2 सिग्मा इनटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू इसका अपन लिखें सिग्मा इक्विवेलेंट, और ए तो इसका 2a हो गया ना, अपॉन लेंथ तो अभी भी इसकी कितनी एल ही है। अब इसको अपन कर देते हैं सॉल्व, तो देखिए यहाँ सिग्मा ए अपॉन एल, ये सिग्मा ए अपॉन एल, ये 2 और 3 हो गया टोटल, हो 2 और 1 3 हो गया, तो 3 सिग्मा इनटू ए बाई एल इज इक्वल टू सिग्मा इक्विवेलेंट इनटू हमारे पास है देखो 2 और a बाई एल, ए बाई एल से ए बाई एल आपका हो गया कैंसिल, तो इससे सिग्मा इक्विवेलेंट आपका हो गया 3 सिग्मा बाई 2। इसका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या देखो कि हमारे पास कोई वायर है, एक वायर है, ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम हैविंग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ is 1 ohm per meter, यानी इसके 1 मीटर का रेजिस्टेंस 1 ohm है और 20 ohm का हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो लेंथ कितनी 20 मीटर आ गई, है ना। और एक बात यहाँ बहुत और कॉमन है कि रेजिस्टेंस अपन लिखते हैं दैट इज रो एल बाई ए, तो आर प्रोपोर्शनल टू एल है या एल प्रोपोर्शनल टू आर, एक ही बात है। तो क्वेश्चन को लेंथ के रूप में करो चाहे रेजिस्टेंस के रूप में करो, दोनों ही इश्यू नहीं है। तो हमको ये लेंथ पूछी है, ये लेंथ, तो इसकी लेंथ निकालो चाहे इसका रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस और लेंथ आपकी पैरेलल हैं, सॉरी समानुपाती हैं, दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसलिए जो भी आप फाइंड करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो आप कैसे करना है, हमको बोला है कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना 20 ओम है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला, इसका रेजिस्टेंस मैं एक्स मान लूं, तो ये हो गया आपका 20 माइनस का एक्स, बोलो इसको एक्स मान लो तो बचा कितना हुआ 20 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल कितना 20 रेजिस्टेंस है। अब चूंकि पैरेलल में है तो इसका रेजिस्टेंस अपन निकालते हैं वो कितना होगा, तो 1 अपॉन 1.8 इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 अपॉन ये हो गया आपका 20 माइनस एक्स। इसको सोल्व करके आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसको सोल्व करेंगे तो आपका वैल्यू है वो 2 मीटर है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको तो आप कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जब बैटरी को 16 वोल्ट रेजिस्टेंस के स्वरूप पे कनेक्ट करते हैं, सिंपल क्वेश्चन अगेन देखें यहाँ पर, When a battery is connected across a resistor of 16 ohm, कोई हमारे पास ये बैटरी है, मान लो ये बैटरी है और इसको अपन ने किसी रेजिस्टर से जोड़ दिया, मान लो E सेल का EMF, small r इसका internal resistance और ये capital R, तो ये कह रहा है कि जब हम इसको जोड़ते हैं किसी 16 ohm से, R1 equal to 16 ohm से आप इसको जोड़ते हो तो potential difference across resistor is 12 volt, तो ऐसे में इसके across voltage हमारे पास है V1 वो है 12 वोल्ट, तो यानी आप इससे करंट निकाल सकते हो ना आई, तो आई हमारे पास कितना 6 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये हो गया आपके पास 12 अपॉन 16 को अपॉन 4 से करंट डिवाइड, तो 3/4 एम्पीयर करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ये आपको बोल दिया। अब देखो अगले में कह रहा है कि इसी सेल को हम किसी दूसरे रेजिस्टर से आर2 से कनेक्ट करते हैं, तो उस स्थिति में समान बैटरी वही है, उसको 10 ओम से R2 = 10 से अपन कनेक्ट करते हैं, तो
इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस आपका बन गया 11 वोल्ट। तो करंट अब I डैश आपको मिल गई वो है 11/10, 11/10, ठीक है। अब आपसे पूछा कि इसका इंटरेस्टेंस कितना है, तो हम लोग जानते हैं V is equal to होता है E माइनस IR, तो V is equal to E माइनस I हमारे पास है V by R into small r, क्लियर है। अब इसमें दो हमारे पास बनने वाली इक्वेशन, एक तो फर्स्ट इसके लिए तो V1, V हमारे पास था बेटा जी कितना V था हमारे पास, देखो देखो 12, तो 12 इक्वल टू हो गया E माइनस का V, 12/16 into smaller पहली इक्वेशन जाएगी। दूसरे में हमारे पास कितना वोल्टेज रहता है देखो 11 वोल्ट, तो 11 इज इक्वल टू ई माइनस ये 11/10 इंटू आर, ये सेकंड हो गई। फर्स्ट के लिखा अपन ने, सेकंड लिख दिया, तो करंट अपन निकाली थी ना उसी से, तो ये लो साहब इस तरह से इक्वेशन आ गई। अब हमको निकालना है स्मॉल आर, तो अगर मैं इसमें ये फर्स्ट इक्वल सेकंड माइनस और ये प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस इनको अपन जोड़ दें, तो ये माइनस प्लस हो गया कैंसिल, 12-11 एक हो गया, और इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से डेफिनेटली इसका आंसर आपका बिल्कुल ये धड़ल्ले से आपका सेकंड आंसर वो आ जाएगा। तो बाकी मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो इसमें यहां दे रखा है इन मीटर ब्रिज सेटअप विथ नल डिफ्लेक्शन गैलोमीटर एज शोन इन फिगर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर इज, आपको निकालना है इसका आर कितना है। तो देखो इसमें सिंपल खेल ये होता है कि जैसे आर का इसके साथ रेजिस्टेंस और इस लेंथ का इसके साथ हमेशा बैलेंस होता है, एन इक्वल होता है, तो आर बाय 40 इज इक्वल टू आर बाय 40 इक्वल टू जो फाइंड करना उसको मैं ऊपर ले लिया करो, यहां होता फाइंड करने वाला तो आर बाय 40 कर देते है ना, बहुत इजी रहता है इसमें। तो आर बाय 40 इक्वल टू, अब ये 20 तो टोटल होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 80 सेंटीमीटर, तो 80/20 ये लो साहब इसको उड़ा दो, 2 से हो गया 4, 4 × 16, तो आर हमारे पास हो गया 160 ओम, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपसे बोला है कि इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन इन द फिगर द बैलेंस लेंथ एपी इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, जान दो इस सर्किट में व्हेन एस इज ओपन, इस एस को अपन ओपन कर दें, ये खाली पड़ा यहां से, इसका मतलब ये सेल आपका अभी ओपन सर्किट में है। जब सेल ओपन सर्किट में होता है तो जो बैटरी जो सो आपका पोटेंशियोमीटर होता है वो इस सेल का ईएमएफ रीड करता है और आपकी बैलेंस लेंथ है वो ईएमएफ के जैसे आती है। तो यहाँ जो बैलेंस लेंथ आपको मिली है 70 सेंटीमीटर वो इक्वल टू आपका एक्स इंटू एल वन मान लो, और इस एल वन की वैल्यू हमारे पास है 70 सेंटीमीटर। अब करके अगर स्विच को अपन बंद कर दें, ओके भाई इसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद में सेल आ चुका है किसमें, क्लोज सर्किट में, तब इसका पड़ा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस वी, वो है एक्स एल टू, जिसमें एल टू की वैल्यू आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा कि ऐसे में सेल सी जो आपका है, सेल सी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आपको मालूम होगा कि जो सेल का आर होता है वो होता है आपका ई माइनस का वी अपॉन वी इंटू आर, उसी क्वेश्चन आया है जो पहले अपन ने यूज की थी, कौन से वाली, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, इसमें आई का वैल्यू मैंने रख दिया कौन सा, ई वी बाई आर, ताकि आर के टर्म्स में आ जाए, इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब E मेरे पास है XL1, ये है XL2, ये आपका XL2, तो X तो कट गया ना, तो ये L1 माइनस का L2 अपॉन L2 इनटू R आ जाएगा। इसमें L1 तो कौन सी है, बड़ी लेंथ, तो मोर माइनस लेस अपॉन लेस, याद रखो मोर माइनस लेस अपॉन लेस इनटू रेजिस्टेंस जो आपने यूज किया, या सेल ओपन सर्किट में L1, सेल क्लोज सर्किट में L2, क्लोज सर्किट में L2, तो ये हो गया आपके पास 70 माइनस का 60 अपॉन 60 इनटू रेजिस्टेंस, आपने कितना काम में लिया भाई 6 ओम, तो इसको ये 10/60 है ना, देखो 10/60 × 6 ये से कैंसिल, 6/6 क्या हो गया 1 ओम, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। फिर देखो अगले में क्वेश्चन आपका है कि जब व्हेन 140 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए वायर, मान लो कोई हमारे पास ये वायर है और इस वायर के अक्रॉस हमने 160 वोल्ट अप्लाई कर दिया, दैट इज 10 मीटर लॉन्ग, इस वायर की लेंथ हमारे पास है 10 मीटर, हैज ए 0.30 मिलीमीटर रेडियस, इसकी रेडियस हमारे पास है 0.30 मिलीमीटर का मतलब हो गया इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, ठीक है जी,
तो कह रहा है कि ऐसे में इसका जो करंट डेंसिटी दे रखी है अपने को, इसकी करंट डेंसिटी जे आपको दे रखा है, जे मतलब आई अपॉन ए, वो आपको दे रखा है भाई। तो पूछा कि ऐसे में तार की जो रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, रेजिस्टिविटी प्रो आपको फाइंड करना है। तो आपको मालूम है जे इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई, जो जिसको अपन कहते हैं ओम्स का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ओम का छोटा रूप, सूक्ष्म रूप। तो इसको अपन यहां कर दें सिग्मा कर दो वन अपॉन रो ई, आपको निकालना है इसमें रो, रो निकालना है। तो रो हमारे पास है कितना, ई बाई जे, ई बाई जे। अब ई कितना होगा, तो बैटरी का वोल्टेज अपॉन लेंथ। तो इसको अपन ऐसे कर सकते ना, ई को कर दो मैं यहां वी बाई जे इंटू एल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका वोल्टेज अपॉन उसकी लेंथ आ जाएगी। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो वी हमारे पास क्या था 140, वोल्टेज था 140, जे हमारे पास था 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस का सॉरी प्लस का 4, और लेंथ है बेटा जी 10 मीटर। करें इसको सॉल्व, तो अगर इसमें 1.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कितना हमारे पास 14, इसमें से इसकी एक पावर दे दो इसको, तो 140 से 140 कैंसिल, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस का 3 आ गया, 10 टू पावर माइनस का 3 ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। यहां दे रखे हैं अपने दो लैंप 60 वाट के, और आपस जुड़े कैसे हैं अपने उनको, पैरेलल। तो याद करो KPCLR, KPCLRT, ये भी ओनली स्कोरिंग क्वेश्चन मैंने दिया था कि बच्चे थोड़े से क्वेश्चन इजी भी करना सीखें, क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं वो भी गलती करवा देते हैं। तो ये KPCLRT का मैंने एप्लीकेशन लिया था, जानबूझ के लिया बेटे। तो केपीसी में जैसे पैरेलल में जो अपन लिखते हैं वो रेजिस्टेंस की सीरीज जैसा होता है, तो ये आपका होता है P1 प्लस P2, दो हमारे पास बल्ब है दोनों सेम इंटेंसिटी के हैं, तो 60 प्लस 60 आपका 120 वाट इसका आंसर है वो आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28। इसमें आपसे पूछा, देखो इन द सर्किट एज शोन इन फिगर द वोल्ट मीटर रीडिंग इज, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना वो आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जो वोल्ट मीटर आपको दे रखा है उसके साथ रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है, इसका मतलब ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है। तो ऐसे में क्या करें, अब ऐसे में आप इस पूरे को एक रेजिस्टेंस बना लो, तो ये 100 × 200 आपस में पैरेलल है, तो इसका अपन निकालें आर इक्विवेलेंट। तो कितना हुआ देखो, 100 × 200 अपॉन दोनों का सम कितना हो गया 300, ये इससे बढ़ा देता हूँ, तो मेरे पास इसका जो रेजिस्टेंस मिल गया वो मिल गया देखो 200/3 ओम। तो आप ऐसे मान लो कि दो रेजिस्टेंस है, एक 100 ओम का है, एक हमारे पास है 200/3 का, और फिर इसमें जो करंट आपको दे रखी है वो मान लो आई है, ये आई यहाँ से इंटर करेगी, इसमें का करंट पूरे में कितनी आई हो जाएगी। अब दोनों में चूंकि इसको और इसको अपन क्या मान सकते हैं, आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज में हम लोग जानते हैं जैसे V=IR से आई इसमें होता है कॉन्स्टेंट, इसलिए वी प्रोपोर्शनल टू हो गया आपका आर, तो इसलिए V1:V2 = आपका है R1:R इक्विवेलेंट, ये तो मैं इसको मैं R1 मान रहा हूँ और इसका मैंने मान लिया R इक्विवेलेंट। जिसमें इसकी रेशियो की बात अपन करें तो देखो हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये तो है देखो हमारे पास 100, ये हो गया हमारे पास 200/3, तो रेशियो की बात अपन करें तो 1:2 हो गया आपका 2/3, 1:2/3, जिसमें से आपको V2 निकालना है। तो V2 हमारे पास कितना आएगा देखो, V2 हमारे पास है रेशियो कौन सा, 2/3 वाला, तो 2/3 अपॉन 1 प्लस यानी सम ऑफ रेशियोज, इनका सम कर दें तो 1 + 2/3 इंटू टोटल वोल्टेज जिसको अपने डिवाइड करना था वो 5। अब देखो साहब ये हमारे पास है 2/3 अपॉन इसका एल से मैं 3 + 2 = 5, तो 5/3 इंटू 5, अब 3 कैंसिल हो गया तो 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसका आपका आंसर आएगा 2 वोल्ट। सही है, तो अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, इन द शोन फिगर ब्रिज इज बैलेंस्ड द करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस इज, ब्रिज बैलेंस है उस समय इस 2 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। आप देखिए ये रेशियो कितना 2:4, 1:2, 1:2 बैलेंस है, बैलेंस होने पे आप इसको हटा दो, हटाने पे ई रेजिस्टेंस आपका हो गया एक 6 ओम का, ये रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया बेटा कितना 15 ओम का। अब करंट यहां से इंटर करने वाली है,
तो करंट इंटर करने वाली है, इसके दो पार्ट आपको बनाने हैं, आई वन और आई टू। आपको निकालने आई वन, अब ये पैरेलल में है, वी कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग जानते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, दोनों पैरेलल में है तो वी कॉन्स्टेंट है। इस कंडीशन में आई प्रपोज्ड हो गया वन अपॉन आर, इसलिए इसको अपन लिखे यहाँ पे आई वन रेशियो आई टू, तो बन जाएगा आपका आर टू रेशियो आर वन, यानी इसको अपन आर टू रेशियो आर वन कह सकते हैं। तो आर टू हमारे पास है 15, रेशियो हो गया आपका 6। ये तो लिखने की पूरी बात आ गई, परंतु जब भी आप क्वेश्चन करें ना, किसी करंट को आपको पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो करंट ये निकालनी हो तो इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल सिंपल है, करंट ये निकाले तो इसका रेजिस्टेंस अपॉन दोनों का सम इनटू नेट करंट कर दो। दिमाग में ऐसी पिक्चर रखो पहले से, तो मुझे करंट निकालनी थी इस वाली, जो करंट इसकी है वही इसकी है, वही दोनों सिस्टम की है। तो जब 2m की आपसे पूछी है ना, कोई समस्या नहीं है, आप तुरंत या तो यहां से मैं कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। तो 15/21 इनटू नेट करंट फोर्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। पर ऐसे मत करा करो आप, ऐसे नहीं होता। नीट का बच्चा बहुत अच्छी एक्सपीरियंस स्किल लेने के बाद में इतना आदी हो जाता है कि वो तुरंत क्वेश्चन करता है, यहां से खटक खटक क्वेश्चन आपका होता है। ये यहां से निकाले करंट, ये रेशियो 15 अपॉन दोनों का सम इनटू 4, तो जस्ट आपकी 2 ओम की जो करंट आपको निकालनी थी, तो आपको करना था इसमें ओनली 15 अपॉन सम ऑफ रेशियोज या रेजिस्टेंसेस, तो 21 इनटू 4। इसके अपन करते हैं काटा और पीटी, जिसको मैं कर दूं यहां से 3 से काटता हूं, 3 से काटने पर होगा 5, यहां हो गया आपका 7, ये हो गया 5 चौक 20, 20/7 एम्पियर, ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, जस्ट फोर्थ ऑप्शन। ठीक है जी, बढ़ते आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उधर रखा है एक डायग्राम जिसमें दे रखे हैं रेजिस्टर, तो द वोल्टेज वी एंड करंट आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर शोन इन फिगर, द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2 विल बी। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ T1 T2 का रेशियो पूछा जा रहा है। हाँ, ग्राफ में आप ये देख पा रहे हो कि जैसे इसमें T2 का स्लोप जो है उसको मैं θ2 मान लूँ, इसका स्लोप है θ1, तो आप ग्राफ से देख रहे हो ना, तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप है उसके अकॉर्डिंग जो θ1 है आपको दिख रहा है साफ साफ, वो θ2 से ज्यादा है, यानी T1 का स्लोप है वो ज्यादा है, T2 स्लोप आपका कम है। अब वी आई ग्राफ का स्लोप क्या होता है, tan थीटा, वो है वी बाई आई, वी अपॉन आई, वी आई होता क्या, रेजिस्टेंस आर होता है ना, आर इक्वल टू होता है आपका आर नॉट इंटू 1+α t या Δt मान लो, ये तो बनेगा। तो यहां देखो इसका स्लोप रेजिस्टेंस को शो करता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका स्लोप बड़ा होगा। तो सिंपल है, जो स्लोप बड़ा है, जिसका स्लोप बड़ा है उसका रेजिस्टेंस भी बड़ा है, उसका टेम्परेचर भी बड़ा है, इसका मतलब T1 इज मोर देन T2। नेक्स्ट देखो, यहां पूछा है कि इस डायग्राम में ए और बी हमारे पास दो पॉइंट है, ए और बी, आपसे पूछा कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, इसको भी बहुत ढंग से आप ना सही से इसको दो समझें। ये 4 एम्पियर है, ये 4 और 6 10, ये भी कितना आपका 10, तो रेजिस्टेंस बराबर हो गए। अब ये 10 और 10 बराबर है तो करंट इसमें हो जाएगी हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट, इसका मतलब इसमें 2 एम्पियर और यहां भी 2 एम्पियर चला गया। अब जहां से करंट इंटर प्लस आउट माइनस, यहाँ इंटर तो प्लस आउट माइनस, वापस करंट यहां से प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, आपको निकालना है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, आपको निकालना है वी ए माइनस वी बी। तो जहां से आप स्टार्ट करते हैं वो देखो पॉइंट ये वाला, यहां से आपको लगाना है केवीएल यहां तक, तो मैंने भी सिखाया था कि आपको निकालना पोटेंशियल डायरेक्ट, आप करो यहां से लो, स्टार्टिंग माइनस है ना, तो माइनस कितना 4 × 2 यानी माइनस का 8, फिर प्लस यहां से आए इस पॉइंट पे तो प्लस 6 × 2 हो गया 12, तो प्लस का हो गया आपका 12 बस, और कहां पहुंच गए आप लास्ट पॉइंट पे। तो जिनके बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, स्टार्टिंग कौन सा पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग, यानी ए और बी निकालना, तो ए से स्टार्ट करते हुए आप चलो यहां से यहां तक, और जो आपका सही आंसर उसको लिख दो पहले ही और लगा दो KVL, तो यहां से साफ साफ इसका आंसर देखो 4 वोल्ट आपका आ रहा है, तो ये लो सर इसका आंसर आ गया 4 वोल्ट, कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि 100 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, देखो ये पोटेंशियोमीटर का वायर है और इसका रेजिस्टेंस आपको दे, सॉरी इसका रेजिस्टेंस दे रखा है हम लोगों कितना
10 ओम, और इसकी लेंथ दे रखी 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, ठीक है जी। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, इसको 5 ओम से जोड़ रखा है, साथ में एक्यूमुलेटर ऑफ ईएमएफ 6 वोल्ट की बैटरी भी जोड़ रखी है, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो इससे अपने से करंट निकाल लें, तो करंट हमारे पास आए 6/5+10 यानी 15, ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। अब क्या कर रहा है इसमें, ऐसा अपने कर दिया, तो अब मुझे बताओ कि जैसे ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए बी देख रहा हो, तो वी ए बी हमारे पास है कितना, ओनली ए और बी का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इंटू इसका आई इंटू आर ए बी, तो ये बेटा जी हो गया 6/15 इंटू आर ए बी का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या था 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास 60/15 ये हो गया देखो 4 वोल्ट। बात समझें, जब हम इसमें 6 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, उस कंडीशन में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस पे होता है, कुछ आपका होता है ए बी पे, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि इसमें पूरी कैलकुलेशन के पश्चात ए बी का वोल्टेज ड्रॉप है कितना 4 वोल्ट, और बाकी किस पे है 5 है वो इस पर। तो आप देखो इसमें अपन निकालते हैं ना पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, फाइ जिसको अपन कहते हैं फाइ, वो एक्चुअली होता है वी ए बी अपॉन एल, तो 4/1 यानी 4 वोल्ट पर मीटर, ये इसका आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, सही है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमने यहाँ कोई सेल लगा रखा है 2.4 का और इसको अपन यहाँ बैलेंस कर रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी आएगी, तो जो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल मीटर है उससे अपन निकालते हैं, तो हमारे पास होता है वी इक्वल टू एक्स एल या वी इक्वल टू फाइव एल, वी इज इक्वल टू फाइव एल, और ये 5V जो होता है वो है आपका सेकेंडरी में जो वोल्टेज ड्रॉप आपको यहाँ पर बैलेंस करनी है, जो वोल्टेज आपको यहाँ पर फाइंड करना है, तो इससे अपन निकालेंगे इसकी एल, तो एल हो गया हमारे पास वी अपॉन फाइव, तो वी बताइए साहब, वी हमारे पास है 2.4 और फाइव है कितना हमारे पास 4, इसको हम करें सॉल्व, तो ये हटा दो एक बार, तो इसको दो 10, ये हो गया आपका 6/10.6, तो 0.6 मीटर, उसको अपन करें कन्वर्ट सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.6 × 100 दैट इज 60 सेंटीमीटर का आंसर आपका हो जाएगा। तो ये भी ऐसे कर सकते हो, या डायरेक्ट आपको ओनली सूत्र से करना हो ना, स्टेप टू स्टेप चले हो सकता है, यदि आपको डायरेक्ट करना हो इसे, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे जो एल होने वाली है, आप ही जानते वी इक्वल टू आपका होता है 5 × L, और आपको निकालनी है इसमें वैल्यू किसकी, एल की निकाली वैल्यू, तो एल हमारे पास है बेटा जी कौन सा, एल है वी अपॉन फाइव, फाइव होता है क्या, वी ए बी अपॉन एल, एल चला गया आपका ऊपर, तो वी इंटू एल अपॉन कितना वी ए बी, वी ए बी हमारे पास है आई इंटू आर ए बी, ठीक है, तो वी इंटू एल अपॉन आई, आई हमारे पास है ई, जो बैटरी का ये वाला ई अपॉन जो भी इसमें आर, आर ए बी प्लस जो आपने जोड़ा रेजिस्टेंस ये करंट आगे इंटू आर ए बी, तो इसमें वैल्यू पुट दो तो भी आंसर आ जाएगा, तो ज्यादा कोई इसमें है नहीं, केवल सर्किट का एनालिसिस है वो ठीक से आता हो तो ये सारा हो जाता है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा कि एक मीटर ब्रिज हमारे पास है, इन ए मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस टू राइट गैप, दो जो गैप उसमें आपके होते हैं, ये लेफ्ट गैप है, ये आपका राइट गैप है, यहां एक लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, यहां होता है अननोन रेजिस्टेंस आर, या मान लो एस, ये आपका आर रेजिस्टेंस होता है नॉन, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, और ये होता है आपका एक एक मीटर वायर जिस पे अपन उसको बैलेंस करते हैं, तो हमसे कहा जा रहा है कि बाएं और दाएं, बाएं से दाएं के बीच का रेशियो हमारे पास 2:3 है, ये रेजिस्टेंस आपका 2:3 का है, तो हमसे पूछा है कि ऐसी स्थिति में बाएं से बैलेंस पॉइंट कितना है, जो बैलेंस अपन यहां निकालते हैं ये, तो बाएं से ये एल कितना, इसके एल होने पर ये हो गया आपका 100 - L, तो हमको एल पूछिए, अब जो पूछिए उसको देखना है, तो कोई इश्यू है नहीं यहां, तो ओनली आप ऐसे कर दो ना, इसका अनुपात इसके साथ बराबर होता है, तो आप ऐसे कर दो, जैसे दिस बाय दिस कर दो, तो 2/3 बराबर कितना एल अपॉन 100 - L। मीटर ब्रिज का तो बहुत सुंदर सा सिंपल से सिस्टम है, इसका रेजिस्टेंस इसके साथ रेशियो में, इसका ऑपरेशन बराबर है, दिस अपॉन दिस बराबर कर दो दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस जो आपको अच्छा लगे वो कर दो, या इनका रेशियो इसके साथ कर दो, मर्जी आपकी है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × L हो गया 3L,
इज इक्वल टू, ये आपका है 200 माइनस कितना 12, इसको लाओ इस तरफ तो 3L प्लस 12 कितना 5L, L कितना आ जाएगा इससे 200 अपॉन 5, 5 चौक 20, 4 0, 40 सेंटीमीटर इसका आपका राइट आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन फिगर इज 50 वाट। इस पूरे सर्किट में जो पावर आपकी डिसिपेट हो रही है 50 वाट है। ठीक है जी, द वैल्यू ऑफ आर विल बी, तो इस आर का वैल्यू कितना होगा। अभी दोनों हैं किस ऑर्डर में, पैरेलल हैं, तो इस पे वोल्टेज भी आपका कितना 20 है, इस पे कितना आपका 20 है, और दोनों की जो पावर है उनका सम जो है वो हमारे पास है वो दे रखा है। तो इससे देखो आप सॉल्व करेंगे तो पावर देख टोटल दे रखी है, तो इसी पे भी 20 वोल्ट है, ये भी 20 है, तो इस पे की तो पावर कितना हुआ 20 का स्क्वायर इन 400 बाई आर प्लस 400 बाई 10 इज इक्वल टू 50। मेरी बात समझेगी आप, पैरेलल में है तो ये वोल्टेज इस पर, ये वोल्टेज इस पे, तो इस पे पावर लॉस कितना होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर 400 अपॉन आर प्लस कितना 400 अपॉन कितना 10 इज इक्वल टू 50। तो इसको उड़ा दो इससे, 50 माइनस 40 कितना हुआ 10, तो 400 अपॉन आर इज इक्वल टू आपके पास है 10, पढ़ो इससे तो आर का मान कितना 40 ओम आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, दो आपको दे रखे हैं स्टेटमेंट, इनको पढ़िए, ऐसे बोला जा रहा है। पहला कह रहा है किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जंक्शन लॉ फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किरचॉफ लूप लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नहीं साहब ये फॉलो करता है एनर्जी का कंजर्वेशन, जस्ट उल्टा हो गया, तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे आपके गलत है। अगला क्वेश्चन, टू बैटरीज ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड 3 वोल्ट आर इन आर एंड इंटरडिस्टेंसेस 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद सेम पोलैरिटी ऑर्डर, यानी प्लस को प्लस से माइनस को माइनस जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन भी स्कोरिंग के लिए दिया हुआ है, स्कोरिंग क्वेश्चन भी बहुत जरूरी होता है कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उस हेतु, पर इसमें भी कुछ बच्चे हैं वो गलत क्वेश्चन करते हैं। तो हमसे पूछा कि ऐसे में जो आपको दे रखी है इनका जो कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव EMF कितना होता है वो आपको फाइंड करना है। दो हमारे पास सेल है, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये आपका हो गया दूसरा सेल, और दोनों को जुड़ा है सेम पोलैरिटी, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से, ये आपके पास कॉम्बिनेशन दे रखा है। अब मान लो इसका वोल्टेज आपका E1 है, ये R1 है, इसका वोल्टेज है E2 और ये R2, तो इसका अपन निकालते हैं इक्विवेलेंट EMF, वो होता क्या है E1 R2। देखो ऐसे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसे इसका वैल्यू होता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, जिसमें आप देखो दो वोल्टेज 3 वोल्ट, इसका वोल्टेज कितना है 2, ये है 3, रेजिस्टेंस कितना देखो इसमें 1 ओम और 2 ओम, तो 2 इंटू 2 कितना 4, देखो ऐसे करना है 4 प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन रेजिस्टेंस कितना आपका 1 और 2 3, तो 7/3, ये लो साहब आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट है, व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म, देन क्वांटिटी दैट रिमेंस कॉन्स्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज, तो जो कंडक्टर आप यूज करते हैं जिसकी डायमेंशंस कैसी है, जिसको अपन कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, असमान अनुप्रस्थ काट का कोई तार है जिसमें करंट आप यहां से फ्लो करते हो आई करंट I1, इसको मान ले अपन I2, तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस एंड एंड थ्रू सेकंड एंड, ये हमेशा आपका होता है बराबर, जिसको अपन कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ चार्ज, तो उसके अकॉर्डिंग I1 इक्वल टू हमेशा I2 होता है। जो ये मेटेरियल है, यहाँ जो इसकी कंडक्टिविटी है, यहाँ जो कंडक्टिविटी है, जो रेजिस्टिविटी यहाँ है, वो रेजिस्टिविटी यहाँ है, जो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ उतना यहाँ, यानी करंट नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी डेंसिटी है, रेजिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, जो नेचर की रिगार्डिंग प्रॉपर्टी है सारी आपकी कॉन्स्टेंट रहेगी, उसके बाद जितने भी प्रॉपर्टी जैसे आपकी करंट के अलावा करंट डेंसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो सब की सब यहाँ से आपकी अलग अलग आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज द, किसी कंडक्टर का आप रेजिस्टेंस
आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? तो आप जानते हो रामलाल, R इज इक्वल टू एम एल और ये आपका है एन ई स्क्वायर टो इंटू ए। आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप लेंथ को बढ़ा दीजिए या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आप बढ़ा दीजिएगा या विश्रांति काल जो है ना रिलैक्सेशन टाइम उसको बढ़ा दीजिएगा या क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दें, इसके अलावा कुछ आ रहा ही नहीं है। तो कह रहा है विश्रांति काल यानी जो रिलैक्सेशन टाइम है वो आपका इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस घट गया, गलत। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इंक्रीज होने पे तो इंक्रीज हो गया, पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपका वहां पर कॉन्स्टेंट रहता है, इसको तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये आपका गलत। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, पर किसके लिए क्वेश्चन है ये? चालक के लिए। देखो अगर ये घट जाती तो बढ़ जाता बिल्कुल सही था, पर कंडक्टर में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कंडक्टर में क्या होता है कि जो आपका ये सीबी कंडक्शन बैंड जो होता है और जो कंडक्शन और जो इसका वैलेंस बैंड होता है बेटे जी, वो आपस में ओवरलैप करे हुए होता है। ओवरलैप के मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पर ही इसकी जो वैलेंस बैंड जो है बेटे जी, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो सीबी के लिए पहले से अवेलेबल है। तो विद इंक्रीज इन या विद राइज इन टेम्परेचर टी, जो इसका स्मॉल एन है वो आपका अप्रोक्सीमेट कॉन्स्टेंट है। जो आप पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, वहां पे टाइम या टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, एक्सपोनेंशियली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स वो इंक्रीज होते हैं, तो वहां तो उनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता ही उसी का ही है। जबकि जो अपन कंडक्टर पढ़ते हैं तो कंडक्टर में जो आपकी कंडक्टिविटी है या रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस जो है वो इस स्मॉल एन से चेंज नहीं होते हैं, ये तो अप्रोक्स आपका कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ इसलिए इसका तो मतलब ही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज नहीं होता मेटल्स में, कंडक्टर्स में ये कॉन्स्टेंट है। तो रिलैक्सेंस टाइम डिक्रीजेस, बिल्कुल ये आपका आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसका फोर्थ आंसर है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा है इसमें जो एमिटर है उसकी रीडिंग क्या है। तो देखो ये 6 ओम, ये 6 ओम, ये 6 ओम आपस में है पैरेलल में, तो इसको यहां से नीचे ला करके इसको हटाऊं सबको और एक रेजिस्टेंस जोड़ दूं, 6 6 6 का कितना 2 ओम। तो देखो ये रेजिस्टेंस, ये आपकी बैटरी है, ये आपके पास है एक एमिटर, और इन तीन के स्थान पे मैं एक जोड़ दूं रेजिस्टेंस जो कितना है 2 ओम का, ये बेटा जी है 3 ओम का, बैटरी हमारे पास है 4 वोल्ट की। अब 3 और 2 किस ऑर्डर में है, सीरीज में हो गए तो 5 हो गया ना, तो करंट इसमें कितनी फ्लो होने वाली है, 4 अपॉन 5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, हो गया 10, 8 अपॉन 10, यानी 0.8 एम्पियर, जो कि सेकंड आंसर के रूप में आपको टिक करने के लिए अवेलेबल था, आपने टिक किया, राइट आंसर हो गया और स्कोर आपका बढ़ गया +4 से। नेक्स्ट देखो, यहां क्वेश्चन देखो आप कि हमारे पास 10 वोल्ट ईएमएफ का एक कोई सेल है और उसका रेजिस्टेंस इंटरनल है वो दे रखा 2 ओम, और आपसे पूछा है कि इससे मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो कर ऑपरेट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी पावर आप इससे जनरेट ट्रांसफर कर सकते हो। देखो दो इसमें पार्ट है, टान दो, ये हमारे पास सेल का ईएमएफ ई जो दे रखा अपने को 10 वोल्ट, ये स्मॉल आर जो दे रखा अपने को 2 ओम। अब इसके दो केस हैं, पहला केस है 4i मैक्सिमम, तो आई मैक्सिमम कब होता है और पावर कब आपको मैक्सिमम मिलती है, तो दूसरा केस मैं यहाँ ले लेता हूँ, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है उसको हमको समझना पड़ेगा, ये 10 वोल्ट और ये बेटा जी 2 ओम। तो हमको मालूम है जब करंट आपको लेनी होती है मैक्सिमम, तो सेल को हमें करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट, ये लो शॉर्ट सर्किट मतलब आपने लोड कितना अप्लाई करा है 0, और टू ऑब्टेन या टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर टू रजिस्टर या लोड वी शुड अप्लाई रेजिस्टेंस जस्ट इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ शेल। तो जो आपके पास स्मॉल आर था उस स्मॉल आर के बराबर ही हम लोगों को यहां रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ेगा जो बन जाएगा आपका 2 ओम। बस अब इसमें कितनी पावर यहां ट्रांसफर होगी वो आपको निकालनी है, तो हमको पता है इसमें इसको पावर कितनी ट्रांसफर होगी, तो वो पावर आपकी ट्रांसफर है आई स्क्वायर इंटू आर।
ओके तो देखो हमने यहां से देखा ना, तो इसमें करंट हमारे पास कितनी आएगी, तो करंट आपकी आई मैक्सिम हो जाएगी ओनली ई बाई टू यानी आर, तो 10/2 दैट इज 5 एम्पियर। तो 5 का तो इसमें है और सिर्फ इसमें, बाकी का तो है नहीं कहीं पर। इसका मतलब आपके पास जो ये दो तो आपके आंसर पहले से गायब हो गए। अब रहा कौन सा थर्ड और फोर्थ जिसमें आपको निकालनी है पावर, तो पावर का केस हमारे पास ये बन गया। तो इसमें पावर जो इसको ट्रांसफर जिसको इसको होती है पावर पी, वो हम लोग फाइंड करते हैं आई स्क्वायर इंटू आर या दो तो ई स्क्वायर अपॉन 4 आर। ये हमारे पास कितना 10 का स्क्वायर कितना 100। ये कहाँ से है इसको बता देंगे। देखो आपको निकालें इसको लोड जो ट्रांसफर पावर कितनी होती है, जो इसको अपन जो पावर अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान दो जो पावर आप इसमें सेल में प्रोड्यूस कर उत्पन्न जो पावर कर रहे हो, तो पावर ट्रांसफर टू लोड इज कॉल्ड पावर प्रोड्यूस्ड बाय सेल। तो इसको अपन यहां लेते तो आई स्क्वायर इंटू हो गया आर। आई हमारे पास देखो है ई बाई आर, ई बाई आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर। अब जैसे वो इसमें देखो ये स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर 2 आर का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, ये आर इसको बदलेंगे अपन। तो इसको सोल्व करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है प्यारे बच्चों और बच्चियों, देवता और देवी और देवताओं, ये है ई स्क्वायर अपॉन 4 आर। ये हमारे पास कितना देखो ये है 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 4 इंटू 2, ये हो गया 8। कितना हो गया 8, और 100 अपॉन 8 का वैल्यू होता है आपका 12.5। इसलिए ये थर्ड आंसर आपका टिक कर सकते हो आराम से। बढ़े आगे, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर हमको ये बैटरी ऑफ 20 सेल्स इज चार्ज्ड बाय 220 वोल्ट विद ए चार्जिंग करंट ऑफ 15 एम्पियर। आप किसी 20 सेल की कोई बैटरी है उसको अपन चार्ज कर रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई एक सेल है, ओके पर आपसे बोला कि जो सेल है उसका ईएमएफ अकेले का जो 20 सेल उसमें से सिंगल सेल का ईएमएफ हमारे पास 2 वोल्ट है और साथ में उसका इंटरेस्टेंस दे रखा है, ओके आप समझ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये मान लो हमारे पास एक सिंगल सेल है इस तरह का, ये बेटा जी होगा सेकंड सेल, ऐसे करते करते ये आपका है 20th सेल है, इस एक सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस इंटरनल आपको दे रखा है 0.1 ओम, और ऐसे सेल हमारे पास हैं टोटल 20 सेल होने पे इसका टोटल वोल्टेज हो गया कितना 40 वोल्ट, और 20 × 0.1 ये हो गया 2 ओम। तो पूरा जो सेल का कॉम्बिनेशन है ना, तो इसको एक बैटरी मान लो जिसका वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस कितना 2 ओम है। अब इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, यानी एक तरह से ये सेल का ई बन गया और ये बन गया सेल का नए सेल का स्मॉल आर जिसको आप चार्ज कर रहे हो किसी दूसरी बैटरी से। ये देखो चार्ज जिससे अपन कर रहे हैं वो है बेटा कितनी 220 वोल्ट की बैटरी है, और जो करंट आप चार्जिंग ले रहे हो इसमें वो है 15 एम्पियर। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखो कि अगर अपन इसी रूप में इसको चार्ज करेंगे तो ये सिस्टम आपका हो जाएगा खराब, क्योंकि करंट आपकी यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है कि अगर ऐसा हमने किया करंट इतने लेने के लिए तो सर्किट में जोड़ने वाला आवश्यक सीरीज रेजिस्टेंस कितना है, यानी अपन इसमें इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ने वाले हैं आर सीरीज, वो कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो अब इसमें कोई इशू है क्या भाई, देखो आपने चार्ज करना है तो इसको या तो सेल के कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर दो। तो करंट आपके पास है आई है ना, तो आई है 15, तो आई कितनी होगी नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज कितना देखो 220 माइनस कितना 40, ऐसे कर सकते हो आराम से 220 माइनस का 40 अपॉन नेट रेजिस्टेंस। ये एक सेल मान लो, ये सेल मान लो, ये अपोज करें आपस में, तो इसकी से नेट में पर घटा दिया और रेजिस्टेंस हमारे पास ये तो है आरएस, ये हमारे पास एक कौन सा ओनली 2 ओम, तो कर दो 2+RS, बस काम हो गया आपका। करंट होती है वो नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज अपॉन नेट आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस। आप देखो इसको सॉल्व करें हम लोग, तो 220 में से 40 से अपने घटाया तो आया 180 अपॉन 2+RS। अब इसको कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 15 × 2 कितना हुआ 30 प्लस 15 RS इजिकल टू 180। 180 से अपन 30 घटाए तो कितना हो गया हमारे पास 150, तो
आर एस इक्वल टू हो गया 15 आर एस इक्वल टू 150, तो आर एस कितना 150 अपॉन 15 तो 10 आ गया भाई। ये लो सर इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है ए ग्रुप ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफई एंड इंटरनल डिस्टेंस स्मॉल आर आर जॉइंड इन द सीरीज टू फॉर्म ए लूप एज शोन इन फिगर द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस ईच सेल इज। तो जब भी हम इस प्रकार से सेम ऑर्डर में आइडियल सेल ना होकर के आपने जो प्रैक्टिकल सेल जोड़े हैं जिसमें ई इसका एमएफ है आर इसका स्मॉल आर रेजिस्टेंस है और सेम ऑर्डर में है सेम सीक्वेंस में आप जोड़ा है तो डेफिनेटली आप क्या देखोगे कि इसमें जो करंट फ्लो होगी वो हमेशा होगी ई बाई आर, ई बाई आर। और हर किसी सेल या दो सेल का कॉम्बिनेशन या एन सेल कॉम्बिनेशन की पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा। कैसे तो देखो यहाँ हमारे पास सेल कितने टोटल एन सेल हैं सब सीरीज में है सेम पोलरिटी के साथ में तो इस पूरे सिस्टम का जो आपका इक्वलेंट ई आएगा ई नॉट वो है एन ई। आप इसका निकालते हो इंटरनल रेजिस्टेंसेस का इक्वलेंट वो आपका है एन आर तो जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो ई नॉट अपॉन आर नॉट ही है तो आपका है एन ई बटा एन आर। एन से एन कैंसिल हो गया तो आपके पास है ई बाई आर। अब चूंकि सब सेल आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और करंट सेल से बाहर निकल रही है सेल यहाँ डिस्चार्जिंग मोड में है तो ऐसी स्थिति इसका वी होता है आपका ई माइनस आई आर। ठीक है जी तो ई हमारे पास किसी एक सेल का ई है माइनस आई हमारे पास कितना ई बाई आर, ई बाई आर इंटू स्मॉल आर ये से कैंसिल तो ई माइनस ई कितना जीरो आ गया। तो यहाँ नंबर कितने भी हों नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा ये भी ध्यान रखना कि जो अब इससे करंट आपकी आई फ्लो हो रही है वो हमारे पास ई बाई आर है तो ग्राफ बनाएंगे इसमें आई का नंबर ऑफ सेल के साथ सेल एक है दो है तीन उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा वो तो ई बाई आर है वो कॉन्स्टेंट है ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट देखो इन द सर्किट शोन इन ए कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी द करंट इन दिस वायर विल बी। तो पहले हमारे पास ये कनेक्टिंग वायर नहीं है और फिर आज इसको जोड़ रहे हो तो जोड़ते हो तो करंट कैसे फ्लो करती हो आपको बतानी है तो इसका सिंपल एक लॉजिक इतना सा है कि ये प्लस माइनस सबसे पहले बैटरी को देख करके ये पता करो कि करंट इसमें एक्स एंड से इंटर कर रही है कि वाई से एंटर कर रही है तो करंट एंटरिंग एंड है वो पहले आप करो सिलेक्ट। ठीक है तो देखो ये इसका प्लस माइनस तो करंट यहाँ से एंटर करेगी तो एक्स वो सिरा है वो एंड जहाँ से करंट इसमें एंटर कर रही है। अब एंटर करने के डायरेक्शन में आप चलो इस तरफ और इस तरफ तो इस तरफ का रेजिस्टेंस का निकल रेशियो 4 by 1 = 4 आ गया फिर आप इसमें निकालो तो 1/3 आ गया ये 1/3 आ गया। क्या करते हैं करंट जहाँ से एंटर करती उसकी तरफ से बढ़ने पर जिस तरफ का रेजिस्टेंस का रेशियो कम होता है जिस साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो कम होता है उसका वोल्टेज ज़्यादा होता है इसलिए ये रेशो छोटा है ना 1/3 ये 1 है ये छोटा है इसका मतलब इसका वोल्टेज बड़ा है इसका वोल्टेज छोटा है तो वी बी का वोल्टेज बड़ा है तो करंट बी से ई फ्लो करेगी। सिंपल सी बात है करंट जहाँ से इंटर करती है उस तरफ देखना है बैटरी को रिवर्स कर दूँ तो करंट यहाँ से इंटर करेगी। अब यहाँ से इंटर करने पर ये 3/1 है ये आपका 4/4 तो उस केस में ये 3 है ये आपका 1 है तो ये कम है तो इसका वोल्टेज कम हो जाएगा वोल्टेज कम होने पर अब करंट यहाँ से इस तरफ फ्लो करेगी। सॉरी अगेन अगेन यदि बैटरी को रिवर्स कर दूं तो करंट यहाँ से इंटर करेगी ना करंट के इंटर करने पर ही आपका है 3/1 इसका रेशियो 3 आ गया यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। अब ये कैसा देखो ये वोल्टेज का रेशियो 1 है 3 है तो 1 है वो कम है 3 कैसा ज़्यादा है इसलिए 1 वाले का यानी ए का वोल्टेज ज़्यादा हो गया तो करंट आपकी ए से बी फ्लो कर जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है जो पहले बोला वो सही बोला। हाँ जी अगला क्वेश्चन क्या है कि गिवन सर्किट में आइडियल वोल्ट मीटर का रीडिंग आपको निकालना है। ये एक वोल्ट मीटर है आइडियल है इसकी रीडिंग आपको निकालनी है तो इसमें दो तरीके हैं या तो आप क्या करो कि इस सेल को इसके साथ मान लो पैरेलल ठीक है और उसका निकाल लो इक्विवेलेंट ईएमएफ या फिर आप इसको हटाओ हटा करके इसको मान लो सीरीज में और फिर ये क्या पड़ेगा ये पड़ेगा इस सेल की टर्मिनल वोल्टेज पड़ेगा। दोनों तरीकों से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यदि आप इसको सीधा करते हो कि इसका आप निकालते हैं ई नॉट यानी इसका एक सेल बना लें तो एक सेल का मतलब देखो ये आपका प्लस माइनस ये आपका प्लस माइनस तो प्लस प्लस साथ जुड़े हुए ना इसका मतलब ये सेम पोलरिटी सेंस में आप इसको मान सकते हो पैरेलल ऑर्डर जिसमें इसका जो ई नोट बनेगा वो क्या बनेगा देखो तो ये 6 × 1 = 6 प्लस 12 × 4 = 48 अपॉन 4 + 1 = 5 तो 48 + 6 = 12 48 6 अच्छा और 2 है सॉरी 6 × 12 ये 12
48 और 12 कितना हो गया 60, 60 अपॉन 5, 12 पंजो 60, 12 वोल्ट। कहां गड़बड़ करी? अच्छा ओहो सॉरी सॉरी, अगेन देखो इसमें गड़बड़ी कर, देखो 12 इंटू 4 48 प्लस 6 इंटू 2 12 अपॉन 4 प्लस 2 6, ओहो ये गलती रही ना, तो 48 प्लस 12 कितना हुआ 60 अपॉन 6 यानी 10 ओम, 10 वोल्ट वोल्ट वोल्ट। एक बार गलती होती तो दोबारा गलती होती चली जाती है, देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, इसलिए गलतियां मत करा करो। हाँ जी ये क्वेश्चन बेसिक है, ये आप कर लेंगे यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी बच्चे क्या करते हैं सब उनको पूछना ही होता है, सब बताने होते हैं क्वेश्चन सारे उनको, देखें इसको भी देख ले। ओके तो कंसीडर ए कंडक्टर ए लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज मेंटेन्ड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, द इफ द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज दिस व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप उधर रखिए मोबिलिटी और पूछा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है, क्वेश्चन को समझो पहले। ये मान लो वायर आएगा है ना, 10 सेंटीमीटर लंबाई का वायर है तो इसकी लंबाई हमारे पास है 10 सेंटीमीटर ठीक है जी, और इसके दोनों सिरों के बीच में आपने 10 वोल्ट है वो अप्लाई कर दिया, वोल्टेज आप लगा दिया V बराबर 10 वोल्ट, तो इससे हम लोग इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल लेंगे, ऐसे आ जाएगा। देखो अब कह रहा है कि अगर इसमें मोबिलिटी हमारे पास इतनी है तो इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग है वो कितना होगा, तो आपको मालूम है VD इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू E, तो म्यू इंटू E, E हमारे पास है V बटा L, तो क्वेश्चन हो गया। देखो म्यू हमारे पास है 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 इंटू वोल्टेज आप लगा रहे हो 10 अपॉन लेंथ कितनी है हमारे पास है 0.1, तो 0.1 तो चला गया ऊपर 100 हो गया, 2 पावर से कम हो जाएगी, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 5 मीटर प्रति सेकेंड, म्यू है 2 10 टू पावर माइनस का 7, अच्छा अच्छा 40 सेंटीमीटर है ना, लेंथ है 40 सेंटीमीटर तो 0.4 0.4 है तो इसको उड़ा दो मैं यहां से, तो कर दो इसको 20, फिर इसको उड़ाए तो 5 है ना, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 ये राइट आंसर है, तो हल्की फुल्की यहां से मिस्टेक आना शुरू हो गई भाई, चाय पीनी पड़ेगी। ओके अब देखो अगला क्वेश्चन, इन ए वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन रेडियस स्मॉल आर फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रेवल विद वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी, आर रेडियस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वी स्पीड से, तो करंट, अच्छा व्हेन करंट आई फ्लो थ्रू वायर, जब किसी कंडक्टर वायर जिसका आर रेडियस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट स्पीड कितनी वी है तो करंट कितनी आई फ्लो हो रही है। अब ये कह रहा है कि अगर हाफ रेडियस और सेम रेजिस्टेंस सेम जो आपका सबस्टांस है उसका अपने वायर ले लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो 2V स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो उसमें ड्रिफ्ट स्पीड 2V होने पर करंट कितना होगा वो आपको पूछा है, तो आपको मालूम है I इज इक्वल टू होता है NEA इंटू VD, तो इसमें जो A है वो आपको A तो दे रखा नहीं, तो कर दो उसको पाई आर स्क्वायर बस। अच्छा N सेम सबस्टांस है कॉन्स्टेंट है, E वैसे कॉन्स्टेंट है, पाई आपके पास है ही कोई दिक्कत है नहीं, तो इसमें I प्रोपोर्शनल टू हो गया आपके पास R स्क्वायर इंटू VD, आपसे पूछिए करंट I दूसरी कंडीशन में, तो I डेस अपॉन I वो बन गया आपका R डेस अपॉन R, R डेस अपॉन R का स्क्वायर इंटू बन गया आपका VD डेस अपॉन VD, वैल्यू पुट करते हैं R डेस कितनी हाफ रेडियस का मतलब हो गया R बाई 2 अपॉन R का स्क्वायर इंटू VD डेस वो है 2V अपॉन V, तो अब देखिए R से R कैंसिल हो गया, ये बन गया आपके पास कितना 1/4, 2 से कट गया 1/2, तो I डेस अपॉन I इक्वल टू है 1/2, दैट मीन I डेस इक्वल टू I बाय 2, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। देखो अगला क्वेश्चन देखिए अपन, इन द सर्किट शोन इन फिगर ऑल सेल्स आर आइडियल द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर इज, तो आपसे पूछा कि अगर सब के सब आपके जो सेल आइडियल हैं तो 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस या उसके थ्रू करंट जो है वो कितनी फ्लो हो रही है, तो 2 ओम कहाँ भाई, इसमें करंट आपसे पूछी है, बहुत बढ़िया भाई, तो इसको अपन कैसे करते हैं,
या हिंट दे रखा है इसको करके ग्राउंडेड, तो ये ग्राउंडेड करने का मतलब 0 वोल्ट हो गया। अब उसके बाद देखो ये माइनस से प्लस, तो यहां से इस तरफ जाने वोल्टेज आपका हुआ इंक्रीज कितना 8 वोल्ट। तो अगर इसका वोल्टेज 0 है ना बेटा, तो इसका भी 0 वोल्टेज, और यहां आते आते इसका वोल्टेज आपको मिल गया प्लस 8 वोल्ट। उसके बाद देखो आप यहां से सह लिए तो प्लस से माइनस, यहां से यहां जाने पर वोल्टेज आपका 4 होगा डिक्रीज, तो इस पॉइंट पे 8 में से 4 कर दो मैं माइनस, तो क्या माइनस 4 करने पे हो गया आपका 4 वोल्ट। देखो ऐसे इसमें कि ध्यान इसी तरह रखना है, सेल में यहां से प्लस से माइनस जाने पर वोल्टेज आपका घटेगा और माइनस से प्लस जाने वोल्टेज आपका बढ़ेगा। तो मान लो यहां वोल्टेज मैं कर रखा हूं माइनस का 10, सेल का वोल्टेज मान लो है 20, पर प्लस से माइनस जा रहे ना, तो इसमें से आपको माइनस करना है, यानी माइनस का 10 तो था, माइनस 20 और कर दो तो कितना माइनस का 30 हो गया। मान लो यहां वोल्टेज दे रखा अपने को 50 प्लस का, और ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, तो आप जा रहे हो जिस तरफ देखो आप माइनस से प्लस, तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो 50 तो पहले से 10 और बढ़ गया तो 60 हो गया। तो इस तरह से हमको वोल्टेज है उनको बढ़ाना घटाना आना चाहिए। बहुत से क्वेश्चंस इतने इजी हो जाते हैं जब आप किसी पॉइंट को कर दो ग्राउंडेड, उसका वोल्टेज 0 मान करके फिर सारे सर्किट के वोल्टेज निकाल लो, मोस्टली क्वेश्चन आपके वहां से हो जाते हैं। तो 4 वोल्ट आ गया, अब प्लस से माइनस तो वोल्टेज घटेगा ना, तो 4 में से मैंने माइनस का 6 करा तो माइनस का 2 आ गया, तो इसका मतलब इसके थ्रू यहां से जैसे अपन आगे चलेंगे तो माइनस का 2 वोल्ट आपका रह गया। अब यहां 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है, यहां से निकलते कितना 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, यहां तक 8 वोल्ट है। उसके बाद यहां से अपन चलेंगे आगे तो ये सारा कितना 4 वोल्ट, यहां 4 वोल्ट आ गया। फिर अपन चलते हैं यहां क्रॉस करते ही आ गया माइनस का 2 वोल्ट, ये माइनस का 2 वोल्ट आ गया। अब देखो इस 2 ओम के अक्रॉस अपन देखते हैं तो यहां वोल्टेज कितना देखो है, यहां पर ये 8 वोल्ट है, ये है आपके पास 8 वोल्ट, और ये माइनस का 2 वोल्ट है, ये आपके पास है 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो इसमें करंट कितनी फ्लो करेगी, वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसका जो करंट आप निकालेंगे आई 2 ओम, दैट इज वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस दिस, वो है 8 माइनस इनटू माइनस का 2 अपॉन 2, माइनस माइनस प्लस 10 अपॉन 2 कितना 5 एम्पियर इज एब्सोल्यूट आंसर, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमसे पूछा है कि ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेजिस्टेंस 6 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। देखो जी ये को सेल है वो आइडियल है, और इसको हमने किसी पोटेंशियोमीटर वायर से जोड़ रखा है, ये आपका है ए बी वायर। अच्छा जी अब देखो इसका वोल्टेज दे रखा है अपने को 2 वोल्ट, आइडियल है तो स्मॉल आर इसका 0 है। जो आपको दे रखा है पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, उसके बारे में लिखा है इसकी लेंथ हमारे पास है 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस आपको दे रखा है बेटा जी 6 ओम। फिर ये कह रहा है कि इफ रियोस्टेट ऑफ रेंज 0 to 10 ओम इज यूज्ड इन सीरीज विद द सेल, आपने इसके साथ एक रियोस्टेट जोड़ रखा है, एक रियोस्टेट भी जोड़ रखा है जिसकी रेंज दे रखी है अपने को 0 से 10 ओम। आप 0 कम से कम लगा सकते हो, मैक्सिमम आप इसमें 10 अप्लाई कर सकते हो, तो पोटेंशियोमीटर जो है उसमें इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी इसकी अधिकतम विभव प्रवणता का मान कितना, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो फाइ इज इक्वल टू हम लोग करते हैं वो है वी ए बी अपॉन एल आई इंटू आर बाई एल, है ना। आई का मान कितना होता है इसमें ई अपॉन आर प्लस आर डेस प्लस स्मॉल आर इंटू आर बाई एल, ऐसा कुछ होता है। अब देखो आपको पूछा है इसमें अधिकतम पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो मैक्सिमम के लिए पहली बात तो सेल आपका है आइडियल, तो आर तो 0 हो गया। अब अच्छा आर प्लस आर डेस, आर डेस किसका है जो अपन यूज करें रियोस्टेट उसका रेजिस्टेंस है। अब इसको बढ़ाऊंगा तो फाइ तो कम हो रहा है ना, और कम करने पर ज्यादा होगा, तो फाइ के मैक्सिमम के लिए आप आर डेस को भूल जाओ, तो ये तो भूल गए लो, तो ई अपॉन आर, आर से आर कट गया तो ई से ए बाई एल, ई हमारे पास कितना 2 है, एल कितना मेरे पास है 10, तो 0.2 ये इसका आंसर आपका बन गया। 0.2 वोल्ट पर मीटर, मीटर देखा ना, ओके। हाँ जी अब देखो यहां पूछा आपसे कि इस नेटवर्क में ध्यान सुनना पहले, इन गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ आर फॉर मैक्सिमम पावर इन नेटवर्क विल बी, इस नेटवर्क ये जाल दे रखा है, कौन सा ये जाल देखो, ये तो सेल का कॉम्बिनेशन है और ये जाल है, इस जाल में कितनी पावर मैक्सिमम ट्रांसफर होगी वो आपको पता करनी है। तो आप एक तो पहले देखो कि नेटवर्क रेजिस्टेंस कितना R और R 2R, 2R और R कितना हो गया पैरेलल में, तो 2R by 3 है ना, 2R into R upon 2R plus,
तो उसको सॉल्व करने पे हमारे पास पूरे सिस्टम का जो आर इक्विवेलेंट है नेटवर्क का 2R/3, आपको इस 2R/3 वाले नेटवर्क में मैक्सिमम पावर पूछी जा रही है। तो एक तो आपको इसको सॉल्व करना था, अब आते हैं पर इस वाले में देखो, तो इसका तो पूरा मान मिल गया ना। अब देखो इसमें अपन आते हैं, तो ये दोनों हैं कैसे पैरेलल, 3 और 3 2 2, दो आइडेंटिकल सेल हैं। तो आपने पढ़ा कि अगर दो आइडेंटिकल सेल जोड़ रखी हो पैरेलल में, तो जो उसका नेट ईएमएफ होता है वो एक सेल के वोल्टेज के बराबर होता है। तो इसका एक बनाऊंगा तो वोल्टेज 3 आ गया, और दो पैरेलल में है तो 1 ओम हो गया। तो इस पूरे के स्थान पे क्या एक सेल लगाता हूँ तो 3 वोल्ट प्लस कितना 1 आ गया। अब 3 और 3 ये आपस में सीरीज में हो गया तो 6 वोल्ट, और 1 और 2, 1 इसका और 2 इसका 3 ओम। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हो कि एक सेल हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास है एक सिस्टम का रेजिस्टेंस जो कि है 2R/3, और ये स्मॉल आर हमारे पास है 3 ओम, और ये बैटरी का वोल्टेज आपके पास 6 वोल्ट। ऐसा कुछ सिस्टम हमारे पास आ गया। आपसे पूछा कि मैक्सिमम पावर के लिए आर की वैल्यू कितनी है, तो आपको मालूम है आर के वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इसको मान लें पर आर इक्विवेलेंट लोड रेजिस्टेंस RL, और ये हमारे पास है स्मॉल आर, तो आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसके इक्वल करने का मतलब है 2R/3 = 3। तो आर की वैल्यू 3 × 3 9/2 4.5 ओम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, दिए गए पोटेंशियोमीटर सर्किट में, इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ 4 मीटर। जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर है इसकी लेंथ आपको दे रखी है 4 मीटर, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है अपने को R = 20 ओम। ठीक है जी। द ड्राइवर सेल इज 6 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ये 6 वोल्ट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1 ओम। वेरी गुड। द बैलेंस पॉइंट ऑन वायर इज, तो वायर पे बैलेंस पॉइंट हो कितना होगा, तो बैलेंस पॉइंट कितना होगा उसको चेक करें। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, पहले सर्किट को एक बार देख तो लिया करो कि वो सही तो अरेंज कर रखा है क्या, इसको असेंबल इसका इंस्टॉलेशन है वो सही है या नहीं है। तो देखें इसमें ये सेल है, इसका प्लस ये माइनस, तो सेकेंडरी में ये माइनस प्लस उल्टा जोड़ रखा है ना, इसका मतलब ये तो सर्किट आपका है ही गलत, इससे कभी जीरो डिफ्लेक्शन पॉसिबल आएगा ही नहीं, है ना। इसको तो अरेंज ही आपने गलत कर रखा है, इसलिए ये तार ए बी संभव ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल ऑन वायर ए बी। नेक्स्ट देखो, इन द सर्किट शोन इन फिगर इफ एमीटर एंड वोल्टमीटर आर आइडियल, ये जो एमीटर आपका आइडियल है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना 0 ओम, और वोल्टमीटर भी आइडियल है इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका इनफिनिटी, इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, इसलिए इसको तो भूल जाओ, इसको तो भूल जाओ, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, सब कुछ याद रखना पड़ेगा अभी। तो अब आपसे पूछा कि 9 ओम रेजिस्टेंस में कितनी पावर लॉस हो रही है, किसमें, इसमें, तो इसमें पावर लॉस कितनी आएगी, वो है I² × R। तो अगर इसमें इसका इसकी करंट मिल जाए और इसको फिर इसके 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको इसकी पावर मिलेगी, आपको ओनली इस 9 ओम की पावर पूछी है। तो आपका अब सारा का सारा ध्यान है वो इसमें करंट निकालने में लग जाना चाहिए, है ना, पूरा का पूरा दिमाग आपका इसमें लग जाना चाहिए, लगा दो अपनी जान पूरी। 9 और 5 कितना है 15 ओम, ये आपका है 30, तो इसका अपन निकालते हैं इक्विवेलेंट, तो 15 × 30 / दोनों का सम 45, 15 × 3 = 45, 30 और 10 = 30 / 3 कितना हो गया 10 ओम। तो इसका टोटल है 10 ओम, ये 20 और 10 = 30, 30 / 30 1 एम्पियर। तो जो करंट यहाँ से चल रही है ना बेटा वो आ गई 1 एम्पियर। कैसे आई, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, 20 है, टोटल होगा 30 ओम। ठीक है जी, ये बैटरी वोल्टेज कितना 30 वोल्ट की, तो करंट कितनी सप्लाई हो रही है 30 / नेट रेजिस्टेंस, 30 / 30 हो गया 1 एम्पियर। अब ये करंट यहाँ से इंटर कर रही है साहब, अब आपको निकालना इसमें पावर कितनी जाएगी। तो याद करो मैंने अभी सिखाया था कुछ देर पहले कि ये करंट निकालनी हो तो इसका रेजिस्टेंस, यहाँ देखो ये करंट निकालनी मुझे, I निकालनी है 9 ओम, ये दोनों आपस सीरीज में है या, तो इन दोनों का सीरीज का इसके साथ है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसी करंट निकालें तो ये रेजिस्टेंस 30 / टोटल 30 + 15 कितना हुआ 45 × नेट करंट 1। तो इसे सॉल्व करने पे 15 से इसको उड़ा दो तो कितना हो गया 2/3 एम्पियर आ गया, 2/3 एम्पियर। अब पावर लॉस इसमें कितना होना है वो देखो, तो वो है I² × R, तो इसका स्क्वायर कितना 4/9 × 9। ये लो साहब, जब भी कहीं पर इस प्रकार के मिक्स्ड ग्रुपिंग के रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चंस में आपको पावर लॉस निकालनी हो किसी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अंदर,
तो आप उस इंडिविजुअल की करंट निकाल लो तो करंट का स्क्वायर इनटू उसका रेजिस्टेंस ही उसका पावर लॉस या पावर कंजम्पशन आ जाएगा। तो 9 से 9 आपका हो गया शांत, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 वाट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, व्हेन करंट सप्लाइड बाय ए सेल टू ए सर्किट इज 0.3, इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज 0.9 वोल्ट। I1 अगर दे रखा है हम लोगों ने 0.3, तो जो वोल्टेज इसमें जो अप्लाई हो रहा है, वोल्टेज डिफरेंस सेल के अक्रॉस है, वो V1 आपका आ गया 0.9 वोल्ट। यदि हम लोग I2 करंट यूज करेंगे जो कितनी है 0.25 एम्पियर, तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है सेल के अक्रॉस कितना, 1.0 वोल्ट। तो आपको पूछा है कि इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो या तो V इक्वल टू अपन जानते हैं E माइनस का IR, उससे दो बनाओ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन उसे सॉल्व करो, या इसका शॉर्टकट है सिंपल, वो है आपका R इक्वल टू V, और इधर रखा हो ना V अपॉन I, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा R कर दो आप। यहाँ भी कौन सा ओनली डिफरेंस, मोर माइनस लेस अपॉन मोर माइनस लेस, तो हमारे पास वोल्टेज दो थे 1.0 और 0.9, तो इसमें से 1.0 से 0.9 घटाता हूँ तो कितना बना 0.1, और डेल्टा R कितना, देखो डेल्टा आई, तो पहले करंट कितनी 0.3, फिर कौन सा 0.25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मोर करंट है लेस, तो 0.3 से 0.25 घटाएंगे तो बचा 0.05, इसको अपन ऐसे करते हटा दो इसको पॉइंट को, तो 10 अपॉन कितना 5, 2 ओम इसका रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हो चुका है नीट में, तो देखो कैसे क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसका पहले वैल्यू चेक करेगा, वी ए हमारे पास है 15, चलो साहब, अच्छा वी बी हमारे पास पता नहीं है, फाइंड करना है आर वन कितना दे बताओ, आर वन हमारे पास है 50 ओम और आर है बेटा जी 10 ओम, और ये कह रहा है कि गैलोमीटर का विक्षेप शून्य है, देखो इन द सर्किट शोन इन सेल ए एंड बी हैव नेगलिजिबल रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस नेगलिजिबल है, और फिर ये कह रहा है कि फॉर वी ए इक्वल टू दिस आर वन आर वन ये है, द गैलोमीटर जी शोज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है उसमें, कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, जब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है जी में, तो इसमें करंट कितना हो गया 0, तो जो सेल अब ये है ना इसी करंट ऐसे तो फ्लो करेगी ना भाई, यहाँ तो करंट है ही नहीं, तो अब देखो ये जब करंट इस तरह से फ्लो करेगी तो करंट कितनी आएगी इसमें, रेजिस्टेंस दोनों का सम कर दो 50 और 10 60 और ये 15 वोल्ट, तो करंट कितनी 15/60 यानी 1/4 एम्पियर आ गई, 15/60 15/60 तो 1/4 एम्पियर इसमें करंट फ्लो करेगी, जो करंट इसमें वो इसमें 1/4, तो अब देखो यहां करंट आपकी जीरो है, आप अब इस केस में दोनों आपस में पैरेलल, जब इसका वोल्टेज ड्रॉप इसके बराबर तभी करंट कितनी जीरो होगी, तो वी बी और इसका वोल्टेज वैसे ही पैरेलल में आपस में है, तो वी बी का मान अब कितना होगा आपके पास, इसका वोल्टेज डिफरेंस जो आई इंटू आर है, आई इंटू आर, तो 1/4 इंटू हो जाएगा 10 जो है 2.5 वोल्ट, ये लो आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस सर्किट में आपसे पूछा है कि 4 ओम में करंट कितनी है, तो 4 ओम कहां है जी, ये रहा, अब ध्यान दो ये प्लस माइनस 10 वोल्ट और 10 वोल्ट ये कैंसिल हो गए क्योंकि रिवर्स में है ना, तो नेट वोल्टेज कितना हुआ 10 और 10 20, आपको निकालनी आई, तो नेट वोल्टेज आपके पास है 20, रेजिस्टेंस है तो 4 5 6 7 और 8 20/8, तो 10 अपॉन 4 या 4 से अपन करते डिवाइड, तो 4 से हो गया 5/2 2.5 एम्पीयर इसका आंसर बन गया भाई। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है और साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इंटरेस्टिंग है, ये माइनस प्लस, ये देखो प्लस माइनस है, यहाँ पोलरिटी को आपने कर रखा है थोड़ा सा रिवर्स, तो कोई दिक्कत नहीं, बस इसका ठीक से संभावना देखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, तो यहाँ क्या करना है कि जैसे एक तो पहले सबसे पहले चेक करो कि ये है देखो 10 वोल्ट 2 वोल्ट, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस, इसकी पोलरिटी और पोलरिटी को डस देख लो पहले, उसके बाद देखो 10 × 2 ये आपका 20, ये है 8, तो E1 R2 और E2 R1 का जो अपन लेते हैं ना फॉर्मूला, उसमें जो भी वैल्यू बड़ी होती है उसी के अनुसार नेट वोल्टेज तय होती है,
तो यहाँ 10 इंटू 2 है 20, ये आपका 8, तो जो नेट इसका सेल बनेगा ना इसकी पोलरिटी के अनुसार इन माइनस प्लस के अनुसार बनेगा इसका। ये तो है फिक्स, ये तो आपका फिक्स इसी तरह से है, पर ये जो सेल बनेगा उसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा नए रूप में, तो ये हो गया आपका ए और बी। ये 6 वोल्ट है, कोई इश्यू नहीं है भाई, ये 1 वोल्ट है, नो इश्यू। अब इसका वोल्टेज, इसका रेजिस्टेंस 2 और 2 का पैरेलल में है तो 1 ओम, इसका भी कोई इश्यू नहीं है। बात आई थी अपने पास इसकी पोलरिटी की, तो अपन ने फिक्स कर ली। अब ये जो इसका वोल्टेज, वो वोल्टेज कितना देखो, वो है 10 × 2 = 20, और अपोजिट पोलरिटी से तो माइनस आएगा, तो 4 × 2 हो गया 8, अपॉन 2 + 2 = 4, तो 20 - 8 = 12 बटा 4 कितना हो गया, 3 वोल्ट आ गया। तो इसको अपन लिख देंगे 3 वोल्ट। अब चूंकि इसकी पोलरिटी रिवर्स में आ गई, तो 6 और 3 का डिफरेंस कर दो तो कितना आया अपने पास, 3, 3 अपॉन 1 और 1 2, 3 बटा 2 यानी 1.5, सॉरी आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कि अब जो नेट आपके पास सर्किट बन गया उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, उसका आर इक्विवेलेंट कितना है। तो देखो 6 और 3 आपस में अपोज कर रहे हैं तो 3 वोल्ट आ गया, 3 वोल्ट कहाँ है, 1 में ही है। फिर देखो ये 1 और 1 की इसमें सीरीज में, तो नेट कितना आ जाएगा आपका 2 ओम, तो 3 और 2 बिल्कुल इसका थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द डिफ्लेक्शन इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस्ड टू हाफ व्हेन इट्स संटेड विद ए 40 ओम कॉइल। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लिया एनसीईआरटी से, जब हम किसी गैल्वेनोमीटर के, गैल्वेनोमीटर को अपन करते हैं संट और उसका डिफ्लेक्शन हाफ रह जाए, तो इसको अपन कहते हैं हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। उस केस में जो रेजिस्टेंस अपन जोड़ते हैं वही गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस होता है, यानी डिफ्लेक्शन को हाफ करने जो रेजिस्टेंस अपन जोड़ते हैं वही रेजिस्टेंस क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस कहलाता है, आर इक्वल टू जी, या जो आपका आंसर होता है। इसका आंसर तो ऐसे 40 ओम है, पर फिर भी आप उसको सॉल्व करें तो आपसे पूछा धारावाहिक का रेजिस्टेंस कितना, आपको आर जी पूछा है, तो हम जानते हैं संट एस होता है, एस अपन निकालते हैं बेटा जी, एस होता है आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस, इस आई जी को मैं यहां ले आऊं नीचे, तो देखो ये बन गया आपके पास आर जी अपॉन आई बाई आई जी माइनस 1, तो इसको आप ऐसे कर लिया करो आई आर जी, ये बाद का डिफ्लेक्शन है पहले का, तो छोड़ दूंगा 5 1 और ये आपका 5 2 माइनस का 1। तो डिफ्लेक्शन इनिशियल कितना था, बाद का कितना था, उससे इसको सॉल्व अब आराम से इससे कर सकते हो, आर जी ये आपके पास है एस। अब बोला कि संट आप जोड़ते हैं कितना 40 ओम, ये 40 जोड़ा आपने बराबर, ये है आर जी आपको फाइंड करना है अपॉन, यदि 5 1 को 5 मान लूं, तो बोला नया डिफरेंस पहले का हाफ हो गया, तो 5 बाई 2 माइनस का 1, ये 5 कट गया 2 पिछला 2 माइनस 1 1 आ गया, तो आर इक्वल टू 40 आ गया, आर इक्वल टू 40। तो ये ऐसे आप आराम से कर सकते हो। अब कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्टमीटर इन्फिनिटी स्कोरिंग के लिए, कई इसको गलत करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर इज प्रीफर्ड इन कंपैरिजन टू वोल्टमीटर। हम जानते हैं कि वोल्टमीटर जो होता है वो डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, और जो पोटेंशियोमीटर होता है वो जब रीडिंग अपन लेते हैं उस समय जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पे, शून्य विक्षेप विधि पर, या अविक्षेप विधि पर, या नल डिफ्लेक्शन पोजीशन पे काम करता है, और जिस समय हम उस रीडिंग लेते होते हैं जीरो डिफ्लेक्शन वाले केस में, वहां पोटेंशियोमीटर का जो सेकेंड सर्किट है वो मेन सर्किट से कोई करंट नहीं लेता है, इसलिए उसका जो वैल्यू आप निकालते हैं वो बिल्कुल आपका होता है बिना किसी एरर के, तो इसीलिए होता है। और उसका रीजन ये होता है, क्या होता है उसको अपन समझें। तो एक तो बात ये आ गई कि जो पोटेंशियोमीटर है वो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, उस रीडिंग आपकी अच्छी आती है, उसमें एरर नहीं आती है, पर क्यों ऐसा होता है, तो मैंने कहा था कि वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। अच्छा अब सुनो कि वोल्टमीटर में क्या होता है, तो वोल्टमीटर तो आपका डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, और उसमें डिफ्लेक्शन ऑपरेट करने के लिए आपको कॉइल में करंट फ्लो करवानी पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, कुछ मेन करंट लेगा, मेन करंट का कुछ हिस्सा वो लेता है, और उसे मापे जाने वाली वैल्यू आपकी गलत आएगी। तो फिक्स है कि मापन के समय पोटेंशियोमीटर है वो परिपथ से कोई धारा नहीं लेता है, जबकि वोल्टमीटर लेता है, इसलिए वो थोड़ा सा सही नहीं होता, उसकी रीडिंग आपकी अच्छी नहीं आती। हाँ तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 4th।
नेक्स्ट है 500 ओम रेजिस्टेंस वाले वोल्ट मीटर की वोल्टता परास है 10 वोल्ट, इसे हम एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ क्वेश्चन देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे अपन गैलोमीटर से बनाते हैं एमीटर, एमीटर से बनाते हैं अपन वोल्ट मीटर, क्वेश्चन ये भी आता है कि वोल्ट मीटर से बनाओ एमीटर, ये भी आता है कि एमीटर से बनाओ वोल्ट मीटर। तो कुछ भी ध्यान रखने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, देखो कि बेसिकली होता क्या है कि गैलोमीटर आपने बनाया, आपने संट किया तो बन गया एमीटर, आपने गैलोमीटर जोड़ा सीरीज में हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर बन गया। पर हुआ क्या उससे, सिर्फ इतना हुआ कि जो गैलोमीटर होता है उसकी अपनी एक करंट रेंज होती है, गैलोमीटर की अपनी एक वोल्टेज रेंज भी होती है जिसको अपन कहते हैं आई जी और वी जी, होती हैं, बहुत कम होती हैं पर होती हैं। आप किसी गैलोमीटर से कोई वोल्टेज माप सकते हो पर वो वीजी माप सकते हो, वीजी बहुत छोटा होता है। आप किसी गैलोमीटर से करंट को मेजर कर सकते हो पर आईजी होती है वो तो बहुत माइक्रो एम्पियर में होती है, बहुत कम होती है। तो ये एक ध्यान रखना है कि आपके पास वो गैलोमीटर है, आप उसको बदलने जा रहे हो एमीटर के अंदर, तो होता क्या सिर्फ उसमें करंट रेंज आपकी बदल गई। जब किसी गैलोमीटर को आप बदलते हैं गैलोमीटर के अंदर, सॉरी जब किसी गैलोमीटर को आप बदलते हो एमीटर के अंदर, तो ऐसा करने पे क्या होता है कि उसकी करंट रेंज आपकी बढ़ गई, वोल्टेज रेंज वही रहती है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि गैलोमीटर से आपने बनाया है एमीटर, तो वो एक बदली भी करंट रेंज का एक नया गैलोमीटर बन गया। आप उस गैलोमीटर ही तो है, वो रियल में मॉडिफाइड आप गैलोमीटर है, मॉडिफाइड गैलोमीटर है, पर उसके ऊपर नाम क्या दे रहे हैं, एमीटर दे रहे हैं। इसलिए एमीटर को जो कि एक मॉडिफाइड गैलोमीटर है उसको फिर हम नए सिरे से नई रेंज के एमीटर बदल सकते हैं, उसको नए रेंज के अंदर वोल्ट मीटर बदल सकते हैं। तो जो भी गैलोमीटर से आपका वोल्ट मीटर दिया होता है ना, तो आप सिंपल ध्यान रखो एमीटर को दे रखा हो क्वेश्चन में वोल्ट मीटर डालना, एमीटर को एमीटर में, एमीटर को वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर को एमीटर में, तो जो स्टार्टिंग में दे रखा हो ना उसको गैलोमीटर मान लिया करो, बात सीधी सी है। तो इसलिए आप बोला कि वोल्ट मीटर था उसका रेजिस्टेंस हमारे पास है 500, इसको मान लो आप एमीटर सॉरी गैलोमीटर मान लो, तो आप ये कहो कि आरजी मेरे पास से कितना है 500 ओम और इसकी वोल्टेज रेंज यानी वीजी वो है बेटा जी 10 वोल्ट। तो इसलिए इससे अपन कहते हैं वीजी इक्वल टू होता है आईजी इनटू आरजी। तो इससे सॉल्व करने पे आरजी मेरे पास आ गया वीजी अपॉन आईजी। तो वीजी है कितना भाई, वीजी हमारे पास है 10 अपॉन आईजी बेटा जी। ओहो आईजी की बात कहां चली भाई, रुको हमें क्या चाहिए इसमें, हमारे पास आर है और ये, तो आईजी निकालनी पड़ेगी ना, तो VG अपॉन RG, तो VG कितना जी, VG है जी, VG है तो VG है 10 अपॉन कितना 500, ये इसका हमारे पास RG है। क्लियर? अब पूछा हमसे क्या है कि इसको 10 एमीटर रेंज वाले एमीटर में कन्वर्ट करना है तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना होता है, तो आपको मालूम है S अपन निकालते हैं वो होता है RG अपॉन N माइनस 1, N है कितना गुना हमने करा है, या देखो इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं आर जी अपॉन कितना एन हम लोग जानते हैं वो था आई अपॉन आई सी माइनस का वन। ओके आर जी कितना हमारे पास है 500 ओम, आई कितनी बेटा जी, आई हमने बदलने 10 अपॉन आई जी, आई जी है 10 अपॉन 500, 10 अपॉन 500 तो 500 चला गया ऊपर माइनस का एक, ये इससे कैंसिल हो गया, 500 माइनस ए हो गया 499, तो देखो 500 अपॉन 499 अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 1 आ गया, तो अप्रोक्सीमेट 1 ओम रेजिस्टेंस जो जोड़ना पड़ेगा संट के रूप में यानी पैरेलल 1 ओम समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह है कि कोई पोटेंशियोमीटर है उसका जीरो डिफ्लेक्शन आपको मिल रहा है, सेवंथ तार पे उसको बढ़ाना है किसमें, टेंथ पे करना है, बैलेंस लेंथ आपको बढ़ानी है। देखो सेवंथ से आपने नाइन्थ पर इसको शिफ्ट करना है, 7 से 9 पे शिफ्ट करना है, तो 7 से 9 पे शिफ्ट करने के लिए आपको बैलेंस लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, और हम पोटेंशियोमीटर से कोई सेकेंड सर्किट में किसी सेल का वोल्टेज माप रहे हैं तो V इज इक्वल टू हम कहते हैं फाई इंटू एल। ठीक है जी, आप L बढ़ा रहे हो, V तो आपका फिक्स है, तो फाई इंटू L, L बढ़ाना चाह रहे हो तो फाई घटानी पड़ेगी, ये तो कांस्टेंट है, तो फाई घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाई एक्चुअली होता क्या, फाई हम लोग लिखते हैं वी ए बी अपॉन एल, तो ये हो गया आपके पास आई इंटू आर ए बी अपॉन एल, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइव आपको डिक्रीज करना है, तो फाइव को डिक्रीज करने के लिए आपको मेन करंट में करंट आपकी घटानी पड़ेगी, और करंट कब घटेगी, जब रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उसका। तो देखो बैटरी की सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, बैटरी से बैटरी तो प्राइमरी में सेकंड दोनों में होती है, कहाँ जोड़ना है पता ही नहीं है,
मुख्य परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल मेन जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तभी करंट आपकी डिक्रीज होगी। करंट के डिक्रीज होने फाई आपका घटेगा और फाई घटने पर ही उसका अलाव बढ़ा सकते हो। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। ओके, तो इसी के साथ हमारे पूरे के पूरे 1 से लेकर 60 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व हैं। एक अच्छा पेपर आपके लिए है, क्वेश्चन सारे प्रकार के यहाँ मैंने अच्छे से यहाँ आपको दिए हैं। कुछ एक दो क्वेश्चन, एक फ्यूज वायर का क्वेश्चन ध्यान कर लेना, वो आप पढ़ लेंगे। और एक मैंने कहा था आपको कॉम्बिनेशन के अंदर जो मीडियम विद कैपेसिटर था उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन है वो, उसके दो क्वेश्चन आप और कर लेंगे ढंग से। उसके अलावा पेपर बहुत शानदार तरीके से आप सॉल्व करो, कई चीज़ें कोई ट्रिक्स वगैरह हैं वो सब तैयार कर लो। ठीक है जी, अब हम इस लेक्चर को, इस पूरे पेपर सॉल्यूशन के एपिसोड को खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, जय सी एल सी।